हेलो तो वेलकम बैक फ्रेंड, आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू एनमी का रिकैप। ये एनमी सच में काफ़ी ही ओपी है, जो भी कहूँ इसके बारे में काफ़ी ही बेस्ट है। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है इस मूवी में थोड़ा सा हटकर है भाई, एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन का एक एजेंट होता है जिनका काम होता है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी अदर प्लैनेट्स हैं उन सभी प्लैनेट्स पर धीरे धीरे करके रिसर्च करना और उन सभी सिविलाइजेशन पर अपनी विजय हासिल करना। इसीलिए हमारे मेन कैरेक्टर को एक एजेंट के तौर पर दूसरे प्लैनेट पर भेजा जाता है, जिससे कि वहाँ पर वे जाकर सारे सिचुएशन देखें और उस प्लैनेट पर कब्जा कर सकें। इसलिए हमारे मेन कैरेक्टर को एक प्लैनेट पर भेजा भी जाता है जहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े वॉर्स चल रहे होते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उन वॉर्स में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करता है और जो कि कितना पावरफुल हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो चलो इस सीरीज को ही देखेंगे आगे और आगे देखेंगे अगर हमारा मेन करेक्टर क्या करता है उस प्लैनेट पर जाकर। लेकिन ये काफ़ी कॉमेडी और एक्शन से भरी सीरीज है, थोड़ी सस्पेंस टाइप भी है, मैं स्टार्टिंग बता देता हूँ। तो चलो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है, कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया था एक बंदा सामने आता है जिसको देखकर सामने गर्ल होती खड़ी वह कहती है, एजेंट सिक्स तुम्हारा वेलकम है, अब तुम्हें एक न्यू ऑप्शन पर जाने का टाइम है। तो हमारी काचर आगे कॉर्पोरेशन है उसके लिए काफ़ी बड़े एक एजेंट के तौर पर एक फोर्स में काफ़ी अच्छे एजेंट हो अभी से। वह काफ़ी सारे आसपास को होलोग्राम चेंज करती कहती है, अभी से तुमको ये जो प्लैनेट दिख रहे हैं जो कि अर्थ के तरह ही काफ़ी सारे अदर प्लैनेट्स हैं, इनमें से तुम्हें एक प्लैनेट पर भेज दिया जाएगा जो कि तुम हमारी स्पाई के तौर पर एजेंट के तौर पर जाओगे। लेकिन इस बात को रिफ्यूज करने लगता है और कहता है लेकिन मेरी बात तो सुनो। वह कुछ भी कह रहे लेकिन वे दोनों गर्ल्स उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं और कहती हैं आखिर तुम क्या चाहते हो ये बताओ, पहले तुम सीधी बात करो। ये बात सुनकर वह कहता है ठीक है, क्या वह उस प्लैनेट पर अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह उसको यूज कर सकता है, ले आ सकता है साथ में, और उसके कुछ और भी क्वेश्चन है क्या वह वैसा कर सकता है। लेकिन दोनों गर्ल्स होती वे सोचने लगती हैं हम दोनों इस ऑर्गेनाइजेशन या फिर यहाँ पर एक कमांडर के तौर पर है, लेकिन फिर भी ये डूड में हमारे साथ में कितने आता है इन रेस्पेक्ट के साथ में बात कर रहा और बिल्कुल ही सब कुछ मैसअप कर रहा है। भाई कहते ठीक है आगे तुम्हें बताओ अगर क्या तुम्हारी आगे की बात हो तुम क्या कहना चाहती हो। तो भाई कहता है अदरवाइज जाने के बाद उसकी कुछ रिक्वेस्ट है जैसे कि वहाँ पर फैंटेसी वगैरह नहीं आ रहा है टाइप अपनी कुछ कर सकता है क्या, लेकिन वो उसके लिए परवर्ट बुलाती है और छुप रहने की कहती है। लेकिन वो उसके पास जाता है और एक्टर काट के शोल्डर्स पकड़ते हुए कहता है लेकिन उसकी उसकी बात सुननी चाहिए बिकॉज पता नहीं किस तरह की उस पर एक्सपेरिमेंट वगैरह करती रही है, उसके बाद में अब दूसरे प्लानेट पर भेज रही है, पता नहीं वहाँ पर क्या उसकी बॉडी के साथ होने वाला है। लेकिन वह अपने थर्ड कमांडर जिसका नाम लेलेट होता है उसके पास में आती हैं जो कि एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट होती है और अपनी एक बहुत बड़ी मशीन को दिखाती हुई कहती है ये मशीन है जिसको उसने खुद ही क्रिएट किया है। लेकिन लेलेट तब यहाँ पर एक और गर्ल को बुलाती है जो गर्ल सिक्स के साथ में उसकी मिशन है उस पर जाने के लिए बुलाई गई होती है, लेकिन वह सिक्स को देखकर उसको बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर देती है जिस वजह से उसको डराने की कोशिश करने लगा होता है। लेकिन उससे वह डरती तो नहीं है और वह कहती सच में उसने उसके बारे में सिक्स के बारे में बहुत कुछ सुना था या बहुत कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था और इस तरह से तुम मेरे साथ डील कर रहे हो तो ये पता है मैं हर्ट हो गई। तो लेकिन वह पूछता है उसका आखिर कोड नेम क्या है, लेलेट बताती है वह एक हाई टेक रोबोट है जो कि उसने खुद ही क्रिएट किया है और वो उसको डिवाइस देती हुई कहती है ये लो तुम्हारा जो मिशन है नेक्स्ट पर तुम्हें टेलीपोर्ट करके भेजा जाएगा। एरिस्टोक्रेट बताती है तुम्हारा आखिर मिशन क्या है एजेंट सिक्स, वह कहने लगता है भाई एक स्पाई के तौर पर जा रहा है या फिर कहीं तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सीक्रेट एजेंट मिशन के तौर पर जा रहा है उसको सेव करने के लिए राइट। तो उसको इस तरह से डील करती है यानी बात करती है एरिस्टोक्रेट जैसे कि उसके बारे में केयर कर रही है। तो वह कहता है क्यों ना उसको एक हक भी दे दे काफ़ी अच्छा रहेगा। उस बात दूसरी गर्ल होती है वह कहती क्यों ना तुम उसको किसी ने दे देनी चाहिए और ये बस उसका सिक्स ही कहता हाँ बिल्कुल उसे वह किस दे दे, लेकिन किस के बजाय वो उसे किक दे देती है और टेलीपोर्टर में फेंक देती है। वह कहता है इस टेलीपोर्टर में काफ़ी यदि नर्वस है, उसके पास जो गर्ल खड़ी होती है रोबोट वह कहती है इसमें नर्वस होने की बात ही क्या, अगर फेल भी हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। वह क्या लगता है ये तुम रोबोट पर ठीक लगता है लेकिन हम ह्यूमंस पर नहीं, समझ रही है ना। लेकिन अब पूछता है ये लगता है कुछ तो गड़बड़ है, उन लोगों के चेहरे देखकर उसे गड़बड़ लगता है, पूछता है आखिर इसका टेलीपोर्टेशन का सक्सेस रेट कितना है। तो लेलेट बताती है उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इस बार इसीलिए इसका 100% रेट है सक्सेस का। वह कहता लेकिन ठीक ठीक बताओ ना तुम। लेलेट टेलीपोर्टेशन डिवाइस का बटन दबा देती है जिसके सिक्स होता है चिल्लाने लगा होता है घबराने लगता है, उसे काफ़ी अलग फील होता है और कहता तुम बीचेस में तुमको छोड़ूंगा नहीं, वापस आने के बाद मैं तुमसे बदला लेने वाला हूँ। वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वह एक दूसरे प्लानेट पर तो पहुँच जाते हैं लेकिन वहाँ पर वह आकाश में हवा में होती हैं। वो उससे कहता है क्या तुम किसी ऐसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो सकती है जिससे हम आसानी से लैंड कर सकते हैं जेट वगैरह किसी में। मैं कहती नहीं ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है बल्कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन का फंक्शन उसके पास में है। तो सिक्स कहता है सच में यूजलेस जंग के अलावा और कुछ नहीं है, पैराशूट दे देती है इसको लेने के बाद आसानी से पैराशूट खोलकर वहाँ से जंप कर देती है नीचे की तरफ और आसानी से नीचे आकर लैंड करते हैं जहाँ पर कि केवल पहाड़ और रेत वगैरह के अलावा कुछ भी नहीं होता है। वह कहता आखिर वह यहाँ पर पता नहीं किस जगह पर आ गए हैं, हमें यहाँ से जल्दी टेलीपोर्ट होकर वापस जाना होगा जिसको बीच से हमें बदला भी लेना होगा। लेकिन एलिस बताती है कि हम लोग यहाँ से एक मंथ तक नहीं जा सकते अब यहाँ पर आए इसलिए, लेकिन वो उसके गर्दन में कुछ इंजेक्ट कर देती है। वह कहता आखिर उसने अभी क्या इंजेक्ट किया। तो वह कहने लगती है नैनो मशीन है इसके प्रॉफिट्स वगैरह तुम आगे चल के पता चल जाएंगे क्या फ़ायदे हैं, और वहाँ से आगे तरफ बढ़ती जाने लगती है। वह भी उसको पीछा कर सकता और कुछ नहीं, वह उसको बस एक जंक रोड बुला रहा होता और कहता
टेलीपोर्टेशन द्वारा हमें यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें, गाड़ी टायर बग्गी वगैरह कुछ तो देना चाहिए था जिससे हम ट्रैवल कर सकें। लेकिन वह कहती है मेरे ख्याल से तो कुछ वेपन ज़्यादा जरूरी होते हैं तुम्हारे बदले ट्रेड करने के लिए, तो वेपन वगैरह उसके काम तो कम से कम आ जाती है। बस उसे सिक्स होता है, काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है कि उसका मतलब क्या कहने का। इस बात के चक्कर में दोनों रोबोट और उसके पीछे बहस हो जाती है और फिर लोग वहाँ से अब आगे की तरफ जर्नी कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे जैसे वह आगे की तरफ जा रही होती है सामने की तरफ उन्हें काफ़ी सारे मॉन्स्टर दिखते हैं, तो सिक्स वहाँ से भागने लगता है। एलिस उसको पकड़ लेती है, बेबसकर बचकर भाग रही होती हैं, एक क्लिप से नीचे जंप कर देती हैं तो डॉग्स भी उनका पीछा करते हैं जो कि मॉन्स्टर टाइप होते हैं। जैसे अटैक करते हैं शूट कर देता है, एलिस वहाँ बैठ जाती है जैसे कि उसको इससे मतलब से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन लास्ट जब डॉग बचा होता है तो उसको पकड़ लेता है, जो उसे खाना चाह रहा होता है सिक्स को, और मांग रहा होता है मतलब सिक्स हेल्प मांग रहा होता है एलिस से। एलिस कहती है क्या तुम तो मुझे जंक बुला रही थी, आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनूं। मैं उससे सारी माफ़ी मांगता है उसने जो भी उसके लिए गलत कहा था, और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और हेल्प करो। वह कहती है शॉटगन ठीक रहेगी उसके सिर पर शूट करने के लिए। वह कहता हाँ बिल्कुल, वे एक पेपर पर लिखती शॉटगन अपनी ब्रेसलेट पर रख लेती है, एक शॉटगन आती है और उसको ढेर कर देती है। अचानक से वहाँ पर एक गर्ल आती है कुछ सोल्जर्स के साथ में और वह कहती है कि इतने ज़्यादा मॉर्निंग टाइम में भी लोग यहाँ पर कौन हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन सिक्स को तो उसकी बातों में कम उस गर्ल में ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा होता है। लेकिन वह गर्ल पूछती है आखिर वह कौन है जो कि हमारी कंट्री में इस तरह से क्या कर रहे हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती आखिर वह गर्ल क्या बात कर रही है। वह पूछता है एलिस से क्या वह जानती है, तो वहाँ कहती है रुको जरा, और अब उसको थोड़ी देर बाद कुछ सब कुछ समझ में आने लगा होता है। वह कहती है तुमने किया ना, वह कहती है हाँ बिल्कुल नैनो पार्टिकल चिप की वजह से मैं तुम कार्य अंदर सारे ट्रांसलेशन वगैरह कर सकती या फिर उसकी हेल्प कर रही है। वह एक लोली गर्ल की तरह एक्टिंग करती है जैसे कि वह खो चुकी है और यहाँ पर गलती से आ चुकी है। वह कहती है ठीक है, लेकिन वह देखती है लोग सच में स्ट्रॉन्ग है जो इतने सारे मॉन्स्टर्स बीस्ट को मार चुकी है, इसलिए इन्वाइट करती है उनको और बताती है वे स्नो गार्ड्स की कमांडर है और उसको उन लोगों को वेलकम करती है अपने साथ में आने के लिए। वह कहते हैं ठीक है, लेकिन उसके प्लान भी अलग चल रहे होते हैं, थोड़ा डैमेज लुक दे रही होती है। जब वह पहुंच जाते हैं सिटी गेट पर यहाँ पर कि अपनी आइडेंटिटी बताती है, तो सिटी गेट्स होते हैं खोल दिए जाते हैं, काफ़ी सारे गार्ड्स खड़े होते हैं जो कि काफ़ी ओल्ड हो गए होते हैं। लेकिन वहाँ पर एक टैंक भी रखा होता है जिसके बारे में स्नो बताती है, ये टैंक ने या मतलब इस चीज़ ने मैजिकल चीज़ ने हमारे टाउन को पहले डीमंस और मॉन्स्टर से बहुत प्रोटेक्ट किया था, लेकिन अब ये बेकार हो चुका है। लेकिन उसके बाद सुनकर पहचान जाता है सच में ये क्या है और कहता है इस पर रिसर्च तो करना चाहिए ना हमें। लेकिन वह कहती है आउटसाइडर्स को इस चीज़ों को छूना रिसर्च करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, वैसे ही जगह पर तो मैजिक होता है ना, मैजिक को लोग यूज कर पाते हैं। सिन्हो बताती है नहीं सब लोग यहाँ यूज नहीं कर सकते, जिनके पास टैलेंट है वही कर सकते हैं। तो वे एकदम यूज करके दिखाता है ब्लास्ट ब्लास्ट, लेकिन ये सच में एम्बेसिंग होता है। वे पहुँच जाती हैं प्रिंसेस के पास में जहाँ पर कि स्नो होती है सारी सिचुएशन बताती है उन लोगों के बारे में आखिर वह कौन है। लेकिन उसको तो प्रिंसेस काफ़ी पसंद आई होती हैं, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा ही खड़े रहती हैं जैसे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता प्रिंसेस के सामने। स्नो सारी सिचुएशन बता दी तो उन लोगों के बारे में, लेकिन ये भी कहती है वे लोग काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग भी हैं। प्रिंसेस कहती है उनके बिहेवियर को देख कर कि शायद वह हमारी कंट्री के नहीं है, और अपने हस्ती हुई कहती है कि उसका नाम टेलिस और टेलिस नाम से उसको भी बुला सकते हैं। तो स्नो बताती है वे लोग स्ट्रांग भी काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी काफ़ी पावरफुल हैं, उन्होंने काफ़ी सारे मॉन्स्टर को अकेले मार दिया था। वह कहता हाँ ठीक है, तो वह कहती है ठीक है तो क्या तो हमारी सिटी की हेल्प कर सकते हो, बिकॉज हमारे सिटी के ऊपर डीमन लॉर्ड या उसकी आर्मी है, डीमन लॉर्ड की आर्मी अटैक कर रही है और हम लोग सच में अभी हारने के कगार पर भी आ चुके हैं, इसीलिए प्लीज़ हमारी हेल्प करो, तुम हेल्प कर सकते हो। तो स्नो भी उसके लिए हेल्प करने के लिए कह रही होती है बिकॉज लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्नो की अलग प्लानिंग होती है, मतलब वह थोड़ी मनी ग्रैबर होती है कह सकते हैं, मनी के लिए काम करती है, इसीलिए इस बात में ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है। वह कहती है वह उसकी हेल्प करेगा कैसा रहेगा हमारा प्रॉफिट दोनों का। वह कहता है लेकिन वो उसकी तरह नहीं है, वह दोनों तरफ नहीं भागता है, इसीलिए इसमें होती थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड होती है और वह उसको लेकर जाने लगती है। तो एलिस पहुँचती है एक क्यूब टाइप चीज़ को देखकर आखिर वह क्या है, तो स्नो बताती है एक ऐसी पता नहीं क्या मैजिकल चीज़ है जिससे कि पहले बारिश किया जाती थी लेकिन अब ये चीज़ ख़राब हो गई है। तो वह कहती है ठीक है वो उसको रिपेयर कर देगी, और उसको रिपेयर करने लगती है तो स्नो कहती है ठीक है तुम यहीं रुको मैं जरा बाहर घूम के आता हूँ, लेकिन उसके क्रेडिट है उसने मुझे भी शामिल कर लेना। एलिस होती है अब उसको ठीक करती है और जो भी दिक्कत होती है उसको ठीक करने के बाद उसको रिबूट पर डाल देती है, जिसके बाद उस मशीन से आवाज़ आती है न्यू पासवर्ड रखने के लिए, और इस पासवर्ड को सिक्स रखता है जो कि काफ़ी बियर्डली और एक टाइप पासवर्ड होता है। एलिस पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वह कहता है वास्तव में देखते जाओ ये उसके भी कुछ मतलब्स हैं। लेकिन वहाँ पर आ जाती है टेलिस और वह उन दोनों को बेवकूफ़ बता रही होती है कि सच में उन्हें कितनी बड़ी गलती कर दी है। उन दोनों को बांध कर लाया जाता है और वह किंग के सामने होती है, सिचुएशन बताई जाती है उन लोगों के बारे में, लेकिन किंग की बियर्ड को देख कर सिक्स होता है वह काफ़ी यदि मजाक बना रहा होता है मन ही मन में। स्नो होती है वो लोगों को क्रिमिनल बता रही होती है कि इस तरह से कंट्री में अगर ये सब किया है, सारी चीज़ें जानने के बाद किंग कहते हैं तुम लोग क्रिमिनल्स हो, लेकिन तुमने ये सब किया है ठीक है, लेकिन तुम हमारी जो मशीन है उसको ठीक कर दिया इसीलिए तुमको अभी जाने का मौका दिया, तुम जा सकते हो। लेकिन प्रिंस कहती है नहीं मैं उसको ऐसा नहीं करने दे सकती, मैं सिक्स को अपॉइंट करना चाहती अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के तौर पर। लेकिन बंदा कहता नहीं ये ज़रा ठीक रहेगा, काफ़ी हार्मफुल रहेगा। इसके बाद सुनकर वो लोग कहते हैं ठीक है तो फिर हम क्यों ना डुअल को अपॉइंट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्नो कहती है लेकिन मैं इस बात के लिए मान नहीं सकती बिकॉज मैं उन लोगों को यहाँ पर लेकर आई है इसीलिए उनके साथ फाइट कराना चाहती है। और सिक्स होता है वह कहता है वैसे उसके बारे में क्या, वह तो एक
ट्रेटर है ना, वह स्पाइस को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भेजती है। मैं कहती है आखिर तुम अभी जो कह रहे हो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। मैं कहता है बात तो पहले की तुम्हें याद ही होगी ना, जो जैसा करोगे तो उसकी तुम्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। प्रिंसेस भी काफ़ी ज़्यादा डेमोनिक स्माइल देती है और आखिरकार उसको इस चीज़ की सजा भी मिलती है, उसको डिमोट कर दिया जाता है। इसमें आकर बात करती है उन दोनों लोगों से और कहती है आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मतलब कैसे क्या। तो सिक्स कहने लगता है वैसे तुम भी तो हो ना जो कि इस तरह से ट्रेटर तौर पर धोखेबाज दे रही हो और कुछ नहीं। मैं कहती है लेकिन उसने कुछ नहीं किया है। कुछ टाइम बाद इसने बता रही होती है कि भाई एक सुपीरियर नाइट है जो कि काफ़ी हाई पोजीशन पे है और काम करने के लिए उसे रेट किया गया। लेकिन मैं कहता तो क्या प्रिंसेस को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है? तो मैं कहती है नहीं, ये उसका डिसीजन नहीं बल्कि उसके सुपीरियर्स ने डिसीजन दिया उसको प्रोटेक्ट करने के, लेकिन वह उस बात को नहीं मानती है। मैं तो किसी और सुपीरियर पोजीशन पर होनी चाहिए थी लेकिन उसको इस तरह से डाल दिया गया नीचे। लेकिन सिक्स होता है उसका मजाक बनाने लगता है किस तरह से डिमोट कर दी गई है, यहाँ तक कि एलिस जो कि एक रोबोट है वह भी उसका मजाक बना रही होती है। ये बात सुनकर तो वह काफ़ी शॉक जाती है और समझ जाती है कि उसको भी यूज किया गया है उन दोनों द्वारा। इधर दिखाया था ट्रेनिंग सेंटर पर जहाँ पर कि सभी लोग जो ओल्ड मैंस होते हैं ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वहाँ कुछ न्यू गर्ल्स भी ट्रेनिंग कर रही होती हैं। इसने बता दिया इस बॉर्ड के दौरान हमारे सारे जो यंग मैंस हैं ज़्यादातर मारे जा चुके हैं, इसलिए इन लोगों को ट्रेनिंग में स्टार्ट किया गया है। एलिस कहती है कि तुम बता सकती हो लोगों के बारे में? तो वह कहती है हाँ बिल्कुल, ये लोग सारे लोगों को रिज्यूमे हैं और जो भी बच्चे उनके लिए तुम यदि हेल्प कर सकते हो प्लीज हमारी हेल्प करो। इस बॉर्ड के दौरान सारे लोग होते हैं इकट्ठे हो गए होते हैं, एलिस होती है और सारे रिज्यूमे को चेक करने लगी होती है। उन सबको चेक करने के बाद राय मांगती है वह सिक्स या करके कुछ कहना चाहेगा। तो एक बंदे को देखकर कहता है कि ये बंदा कैसा रहेगा। तो कुछ टाइम डिस्कस करने के बाद वे दो रिज्यूमो निकालते हैं दो लोगों के। वे कहती है इन दोनों से मुझे बात करनी है। इसनो कहती है भैया कि लीडर है इसीलिए वो लीडर के तौर पर प्रिटेंड करती है, लेकिन वो उसके बालों पर कहती है अभी क्यों इन लोगों को यहाँ बुलाया जाए। बेगलवाकर इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देती है जैसे कि वे एक बैड गाय है, एक आर्टिफिशियल काई मेरा टाइप। इस तरह से सिक्स भी अपने बारे में बताता है कि वे भी एक मॉडिफाइड बैटलियन बैटल मतलब कॉम्बैट बैटल का वॉरियर है लाइक दैट। एलिस भी अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है और वे उन सबके इंट्रोडक्शन सुनने के बाद एकदम काफ़ी यदि एक बच्ची की तरह एक अच्छी बच्ची की तरह बिहेव करने लगती है और हर बात मानने के लिए भी तैयार होती है और कहती है अगर उन लोगों ने यहाँ पर क्यों बुलाया, हर बात मानने के लिए तैयार होती है। उसके रिज्यूमे चेक करता और कहता हूँ तुम्हारे पास में ऐसी स्किल्स हैं, तुम जिसको भी खाओगी उसकी स्किल तुम अपॉइंट कर लोगी यानी अडॉप्ट कर सकती हो। मैं उसको कुछ खिलाने के लिए उसको दिखाने लगता है जिसको मैं डॉग की तरह ट्रीट कर रही होती है। एलिस कहती है मतलब उसको कैसे ट्रीट करना है हम समझ गए, लेकिन वहाँ पर दूसरी गर्ल उसका नाम ग्रेम होता है और वह अपने वहाँ इंट्रक्शन देती है। वह कहता ओ तो तुम ग्रेम होना, तुम्हारी पावर्स वगैरह क्या है? तो ग्रेम बताती है वह जैनरेथ को वर्शिप करती है। इसके बाद सिक्स कहता है जैनरेथ हो तो वह तो एक ईविल बींग है ना। वह कहती है अभी क्या भी तो माफ़ी मांगो तुमने जो भी कहा है। वह कहता है नहीं रे भाई एक ईविल बींग है जिसमें क्या भी, तो उनकी बहस हो जाती है। तो उसको थोड़ा सीड्यूस करती हुई कहती है यदि अभी क्या अभी माफ़ी मांगी जैनरेथ के लिए तो अपनी पेंटीज को दिखाने के लिए अभी तैयार है। इसने समझ जाती है वे लोग बियर्ड्स गाए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या ही वे बात कर रहे हैं, इसलिए बेकार है। सिक्स होता अभी भी कहता है इस बात के लिए अभी वह ऑनर यहाँ पर है या फिर खैर कमांडर कह सकते हैं, इस चीज़ को भाई कमांड करने वाला है। इसने उसके चुप रहने के लिए कहती है, उनके बीच में अब थोड़ी बहस हो जाती है और कहती तुम्हें सच में स्टडी वगैरह की एजुकेशन वगैरह तुम्हें बिल्कुल ही जानकारी नहीं है क्या? लेकिन वह सच में हाई स्कूल ड्रॉप आउट होता है, उसके ऊपर अटैक करने लगी होती है, उनके बीच में काफ़ी अच्छी बहस होती है। लेकिन तभी प्रिंस स्टेसी वहाँ पर आ जाती है और जो कहती है क्या चल रहा है, तो सिक्स होता है उसको एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर यूज करता है जिससे कि इसको काम होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन टेलिस सिक्स से बात करता है कि आखिर अभी क्या प्लानिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग और जो अटैक होने वाला है उसके बारे में। वह कहता है उसके बारे में चिंता ना करें। वह कहती है ठीक है उसको काम लियो, उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। इधर उसी शाम का सीन दिखाता है एलिस और सिक्स दोनों बैठे होते हैं। तो एलिस कहती है कि वह कोई भी इस तरह की हरकत करने की ट्राई भी ना करे उसके साथ में। वह कहता है अरे ऐसी तरह के रोबोट कैसे भी आ जाए उसको मूव ऑन नहीं कर सकते हैं यानी कोई इंटरेस्ट नहीं जगा सकती। कुछ टेक्नोलॉजी को चेक करती कहती है कि काफ़ी सारी चीज़ें इस ग्राउंड में या फिर इस जगह पर जिसको हम रिसर्च कर सकते हैं। वह कहता है हाँ बिल्कुल हमारे जैसे मिशन है, लेकिन वह कहती है हम लोग इन लोगों को अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट डे उनका अटैक का टाइम हो गया होता है, इसीलिए वे लोग मॉन्स्टर्स या डीमंस के ऊपर अटैक नहीं चाह रहे होते। उनको देखकर वह कहती है क्या सच में ये लोग इस तरह से अटैक करते हैं? इसने कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन इस तरह से किसी और के ऊपर अटैक करें ठीक रहेगा मतलब डीमंस के ऊपर? मैं कहता हाँ बिल्कुल, हमारा पहला काम है उनकी सप्लाईज वगैरह उनको रोकना। हाँ ये थोड़ा कबड्डी काम लग सकता है, लेकिन नोवस के तौर पर हमें ये एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, उनकी सप्लाईज वगैरह उनको रोक देंगे जिससे कि हमारा एडवांटेज मिलेगा। लेकिन इस नो को तो सच में केवल ग्लोरी चाहिए होती है, बिकॉज जब से उनका टाइटल कम हुआ है तब से उसकी जो पे बैक है मतलब मनी है कम मिलने लगी है और वैसी भी तो एक मनी गिरेवर है। इसीलिए वह कहता है ठीक है चिंता ना करे। और वह सिक्स कुछ और कहने की ट्राई करता है लेकिन कुछ नहीं, केवल अपनी बेइज्जती करवा लेता है। अटैक में जाने लगती हैं सारे मॉन्स्टर्स डीमंस को मारना स्टार्ट कर देते हैं और वह रोज से कहता है इन दो डीमंस के साथ में जो भी करना चाहती है वह कर सकती है। तो वह भी अपनी ड्रैगन ब्रीथ का यूज करती है, सारे डीमंस होते हैं उनको जला देती है और उनके रोस्टेड मीट को वर्थ ज़्यादा ही लालच साथ में देखने लगती है। वह कहता है ठीक है, लेकिन अचानक से ऊपर से एक डीमन बाढ़ आती है, इसके ऊपर एक डीमन गर्ल बैठी होती है जो कि डीमन कमांडर होती है।
अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है और वह लीडर समझ रही होती है सिक्स के लिए बिकॉज उसका बियर्ड आर्मर की वजह से, लेकिन उसकी फोटो को खींचने लगता है बिकॉज उस पर एक एग्जीबिशन में आई हुई गर्ल की तरह क्लॉथ पहनी होती है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक होते हैं। उसे पूछता है कि उसने ये कपड़े किस टेलर से सिलवाए हैं, तो वह कहती है अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है कि वह डीमन लॉर्ड की फोर इलाइट्स में से एक है, तुम जरूरी कमांडर हो गए है ना, इन सबका लीडर हो गए। तो वह डीमन लेडी कहती है कि वैसे आज के लिए काफ़ी हो गया है ना, लेकिन और वह उन सबको रिक्रूट करने के लिए भी ऑफर देती है यानी एलेक्स और एलेस और सिक्स के लिए। तो सिक्स होता है तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एलेस आकर कहती है तुम चुप रहो। मैं कहता मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे पास में एक पहले एक बॉस है जो कि बहुत ज़्यादा बॉस ही है। मैं कहने लगती चिंता मत करो, कोई बात नहीं, वैसे तुम्हें देख कर लग रहा है कि तुम किसी और को धोखा नहीं दोगे। इसी बात के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसी वह गर्ल अटैक करती है उसे डॉज कर लेता है और कहता है हम लोग आउट नंबर्स हैं। लेकिन पीछी तरफ देखता है तो यहाँ पर रोज और सुनो दोनों लोग ही सप्लाईज को सप्लाई करने में लगे होते हैं, लेकिन एलेस इस तरह से खड़ी होती है दूर जिससे उसे मतलब ही नहीं है, और ग्रेम जो कि अपने केब में सो रही होती है। लेकिन तभी जो बर्ड बीस्ट होती है उससे सामने से अटैक करती है, सारे अटैक से वह डॉज भी कर रहा होता है उस डीमन के, सारे सप्लाई में लगे होते हैं उसको फर्क नहीं पड़ता। तभी एलेस होती अटैक कर देती है अपने गन से जिसके रिकॉइल से वह पीछे जाकर हिट होती है, जिसको स्मेल करने के बाद वह कहती है कि एलेस वह कोई लगता है ह्यूमन नहीं है, उसके अंदर से एक कॉलम जैसी स्मेल आ रही है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक और डीमन आ चुका होता है जो कि अटैक कर देता है ग्रिम के ऊपर जो केव में बैठी होती है, और वो उसको ख़त्म कर देता है लाइक टमाटो सॉस। वह कहता है आखिर वह यहाँ पर क्या कर रही है, यानी दूसरी फोर इलाइट्स में से एक होती है यानी डीमन गर्ल, वह वहाँ से चली जाती है गुड बाय करके। लेकिन एलेस कहती है कि आखिर हमें अभी के अभी ग्रिम को भी देखना चाहिए, इसलिए भी कहती है हाँ बिल्कुल कि उसकी सेफ्टी देखनी होगी, हमको उसके साथ फाइट करनी होगी। वह बंदा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है, वह डीमन लॉर्ड की फोर इलाइट्स में से वह भी एक है जिसका नाम गैंडलर होता है, और वह कुछ करे उससे पहले ही जाकर रोज उस पर फायर से अटैक कर देती है और उसके पंख को इसने अपने स्वार्ड से कट कर देती है। और तभी एलेस कहती है अभी कभी जाकर ग्रिम को सेव करे, लेकिन ग्रिम तो पहले मर चुकी होती है। सिक्स कहता है और वह कहता है हम लोग केवल उसकी आत्मा को शांति देने के लिए हम इसको ख़त्म करने वाले हैं, इसलिए हम डीवन के साथ प्लानिंग के लिए दो लोगों से कहता है पीछे साइड से अटैक करने के लिए और तुम जाकर मेरे साथ में अटैक करो। लेकिन पीछे से एक और डीमन आता है और वह कहता है गैल्डर से कि अभी के अभी तो हमारे साथ में चलो, पैलेस में एक इमरजेंसी आ गई है तुम्हें जाना होगा। वह कहने लगता है ठीक है ह्यूमंस तुम्हारा नेक्स्ट टाइम मैं देख लूँगा, तुम काफ़ी लकी उस बार। लेकिन सिक्स होता उसको जाने नहीं देना चाहता है, तो एलेस से वह कहता है अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बदला तो लेना होगा, लेकिन अभी हम ग्रिम को केवल अंतिम संस्कार यानी उसको ग्रेव में काफ़ी अच्छे से अंतिम विदाई दे सकते हैं। लेकिन इसने कहती है अरे चिंता मत करो, वे इतनी जल्दी तो नहीं मर सकती है, हम उसको ले चल सकते हैं और उसको प्रिस्ट वगैरह हील कर देंगे, इसलिए चिंता मत करो। इसी बात संगत सिक्स भी कहता है ठीक है, और उसको रख दिया जाता है उस गाड़ी में जिसके चेहरे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो चुका होता है अटैक से, इसलिए उसको ढक दिया गया होता है। इसने सिक्स से कहती है कि अभी तुमने जो बैटल में सहयोग किया उसी वजह से हम बैटल जीत पाए, इसलिए और भी उसे सहयोग करने के लिए कहती है, हेल्प करने के लिए कहती है। सारी आर्मी जो होती हैं जो कि वापस आ रही होती हैं अपने पॉर के बाद, लेकिन सारी आर्मी हार चुकी होती हैं, तो सिक्स उनका मजाक बना रहा होता है और ये बात में इसने भी उसकी मजाक बना रही होती है। हाँ सच में वो लोग यूजलेस के अलावा कुछ भी नहीं है। इधर दिखाया था ग्रिम की बॉडी को लाकर एक आल्टर पर रख दिया जाता है जहाँ पर कि रात में हील हो सकेगी। वह पूछता है कैसे, तो बता दे कुछ ऑफरिंग्स दी जाएंगी जिसके बाद रात में उसको हील कर दिया जाएगा। इस बात पर लेकिन सिख को भरोसा नहीं होता है कि सच में उसको तो ऑफर नहीं किया जाएगा ना। वह कहता है लेकिन भाई यहाँ पर फिर भी रहना चाहेगा ग्रिम के पास में यदि कोई कुछ होता है तो। रात हो गई होती है, ऊपर से एक लाइट चमकती है जिसकी वजह से ग्रिम का चेहरा जो कि ब्लास्ट हो चुका होता है वह दोबारा से रिकवर हो चुका होता है। ग्रिम दोबारा जाग जाती है और सिख को पास में देख कर कहती है आखिर भाई यहाँ पर क्या कर रहा है। तो सिक्स कहता है बेबस यहाँ पर उसकी हेल्प के लिए था, मतलब यदि कोई दिक्कत आती है तो इसीलिए मैं देखना चाहता था आखिर वह ठीक हो पाएगी या फिर नहीं। वह दोनों लवली डबली काफ़ी यदि बात करने लगे होते हैं लाइक ए कपल। इस तरह से वह उसको चील व्हील चेयर पर लेकर चला जाता है और उसको इन्वाइट करता है बाहर घूमने के लिए, और वे लोग काफ़ी अच्छे से अपनी एक लव लाइफ के तौर पर वहाँ से निकल पड़ते हैं। वो उससे कहती है इस तरह से आगे ना जाने के लिए कुछ आगे काफ़ी डीमंस वगैरह भी होंगे। मैं कहते चिंता ना करें, वह उसके साथ में और वैसे ही वह तो इस बल्टी की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट सवारी के ऊपर बैठी है एक विलेज के अंदर जहाँ पर उसके सोल्जर वापस आने के बाद अपने लवर्स के साथ मिल रहे होते हैं। लेकिन बीच में से तभी वे लोग लेकर के चले जाते हैं सारे लवली डबली मूवमेंट को ऐसी तेजी कर जाते हैं। एक और कपल देखता है तो वह कहती है सीएम करने के लिए, लेकिन वहाँ एक गार्ड आ जाती है यानी पुलिस कह सकते हैं गार्ड, उसको देख कर उसको रोक देती है। लेकिन ग्रिम कहती है तुम्हारा भी तो फ्रेंड है ना, बॉयफ्रेंड है ना, रुको मैं करती हूँ। सिक्स पूछता है कि उसका मैजिक किस तरह से काम करता है, तो वह कहती है उसको कर्ज कर सकती है, तेरी डॉल निकालती है जैसी उस पर यूज करने की होती है, लेकिन उसके ऊपर ही वह कर्ज यूज हो जाता है पैर पर ही। किंग के पास में आकर एक सोल्जर बताता है कि डीमंस की आर्मी है जो कि अटैक करने की प्लानिंग कर रही है और अटैक करने आ रहे हैं। यह सुनकर सब लोग तैयार हो जाते हैं और प्लानिंग करने से पहले सिक्स बार टपक जाता है। एक बंदा कहता है इस तरह से किंग को डिसरेस्पेक्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इस तरह से रूम में तुम कैसे घुस सकते हो। तो सिक्स कहता है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ और वैसे तुम ओल्ड गीजर कौन हो। तो वह ओल्ड मैन उसको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है। वह कहता है ठीक है तो मैं बताता हूँ, मैं वही हूँ जो अभी के अभी तुम्हारी एक आर्मी से तुम्हारी सप्लाईज वगैरह आए, मतलब मॉन्स्टर सप्लाईज वगैरह बचा कर लाया हूँ, तुम्हारी सप्लाई सर्वाइव करके लेकर आया हूँ। वह तो माफ़ी मांगने लगता है, वो तो इतना ज़्यादा हेल्प की उसने
किंग कहता है वो थैंक यू सो मच जो तुमने इतनी ज़्यादा हेल्प किया है, तो शायद जो पुरानी मान्यताएँ या फिर कहानियाँ वे सच हो रही हैं। वे कहता है कैसी कहानियाँ? तो प्रिंस बताती है बेजरूरी हमारा चूजिन हीरो है जो कि हमारी हेल्प करने के लिए आया है। तो अपना हाथ दिखाती हूँ, कहता है ये देखो तो शायद हो सकता है मैं ही चूजिन हीरो हूँ बिकॉज मेरे हाथ पर एक मार्क भी है। उस मार्क को देखकर वह कहती है तुम्हें पता भी है कि एक डेडली इंसेक्ट द्वारा काटा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा पॉइनस होता है और इंस्टेंटली उसकी डेथ भी हो सकती है व्यक्ति की। और वह सोचने लगता है शायद एलिस ने जो उसके अंदर नैनो पार्टिकल्स डाले थे उसकी वजह से बच पाया है। लेकिन फिर भी वह कहता है फिर भी वह तो चूजिन हुआ ही है। लेकिन वह कहती है जिस सर्कल मतलब मैजिक मार्क की तुम बात कर रहे हो उसके ब्रदर के ऊपर ही पहले दिख चुका है, यानी वह तो पता चल गया कौन चूजिन है। लेकिन तभी वो जा रहा होता है सिक्स तो उसके पास में रोज आती है और वो माफ़ी मांग रही होती है मतलब हेल्प मांग रही होती है सिक्स से एल्स से बचाने के लिए। पूछता है क्या हुआ मतलब एलिस पूछती है आखिर क्या हुआ तुम्हारा मीटिंग का, तो वह कहता है मीटिंग सही रही। और सिक्स रोज से पूछता है क्या हुआ तो बताती है वो उस इंसेक्ट को सिखलाना चाहती है। एलिस भी कहती है हाँ बिल्कुल इस इंसेक्ट को सिखलाना चाहती है। तो समझ जाता है वो क्यों, तो वह उसको भी पकड़ लेता है और कहता है ठीक है तो तुम इसको खाने में हेल्प कराता हूँ मैं भी, ये काफ़ी अच्छी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो काफ़ी हेल्प करने वाला उसकी भी। वह कहती है इसे तुम खाओगे तो मैं काफ़ी अच्छी चीज़ तुम्हें खाने को दूंगी। लेकिन वह उसको पूछती है क्या, तो उसको एक बोतल दिखा देती है जो कि सिलिकॉन की होती है। जब ये बैठे होते हैं तो वह पूछ रहा होता है रूस से आकर इस तरह से कंट्री की वॉर में पार्टिसिपेट कर इतनी हेल्प क्यों कर रही है। तो फास्ट के बारे में बताती है एक थोड़ी लॉन्ग स्टोरी है मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये वह बताती है उसके जो ग्रैंडफादर थे या फिर ओल्ड मैन उसको वह मिली थी किसी टेक्नोलॉजिकल या किसी जगह पर जिस बार उसको पालने लगे। लेकिन वह किसी स्टोन पर एक रिसर्च कर रही थी लेकिन एक फॉरन मैजिक की वजह से वह खुद ही ब्लास्ट हो गए और अब वह बस उनके आखिरी जो पल हैं या फिर आखिरी जो उनकी इच्छा है वो पूरा करना चाहती है और हेल्प करना चाहती है। उसके बाद उनका सिक्स काफ़ी सोता है और वह पूछता है ऐसे ही वैसे ही कैसा रहेगा अगर हम अपनी आर्मी इसको रिक्रूट कर ले। एलिस भी काफ़ी खुश होती है और कहती है हाँ बिल्कुल इसे हमें अपनी फोर्स में शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन वह समझ नहीं पाती है अगर किस फोर्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बेबेंडो उसे देख रहा होता और कहता है इस बार लिम्बे कितने टाइम से आ चुका है लेकिन कोई भी गर्ल उसको पसंद नहीं करती। एलिस उसका मजाक बनाती है इसीलिए उसके साथ बहस हो जाती है। स्नो होती है जो कि मीटिंग में आई होती है जहाँ पर बात कर रहे होते हैं डीमंस के साथ में फाइट करने की। एक जनरल बताता है डीमंस अब हमसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके साथ में हम फाइट नहीं कर पा रहे होते, हमारी आर्मी बार बार हमारी टीमें हारती जा रही हैं इसलिए हमें क्या करना चाहिए। तो वह कहता है हमें क्यों ना चूजिन हीरो है उसके बारे में अभी देखना चाहिए बिकॉज वह अभी थोड़ा वीक है इस बारे फाइट नहीं कर सकता है। लेकिन जो टावर जिसके ऊपर डीमंस का कब्जा हमें उससे जो वेपन है उसको ले लेना चाहिए, हमें उसका फाइट करनी चाहिए। कुछ और लोग भी होते हैं इस बात के लिए सहमत भी कर रहे होते हैं लेकिन हीरोज के बारे में अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है इसीलिए इसके खिलाफ भी होते हैं, ये करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन वह कहता है हमारे पास तो कोई और चॉइस भी नहीं है तो हम लोग क्यों ना जाकर खुद ही अटैक करें उस डीमन के पैलेस पर। इस बात के लिए कुछ लोग सहमत होते हैं कुछ लोग नहीं, तो इसलिए सिक्स से कुछ अपोनेंट मांगा जाता है तो कहता है क्यों ना हमें पूरे टावर को जला दिया जाए। तो इसनो कहती है फिर टावर स्टोन से बना है, मैं कहता लेकिन फिर भी तो समझ जाते हैं सब लोग उसका इशारा क्या है, इसलिए सब लोग कहते हैं ठीक है तो कल हमारी प्लानिंग स्टार्ट होगी और हम लोग कल हीरो से पहले उस वेपन के लिए फाइट करने वाले हैं। हीरो है जो कि आगे चल के जबकि रिकवर हो जाएगा तो फाइट कर लेगा बिकॉज अभी इंजर्ड है। नेक्स्ट डे के प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही सारे सोल्जर्स होते हैं उस टावर के ऊपर अटैक कर देते हैं जहाँ डीमंस के साथ में वे लोग फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन काफ़ी सारी थोड़ी दूरी पर और जिस्नो के साथ में सिक्स और बाकी टीम खड़ी होती है और जिस्नो कह रही होती है कि आखिर तुम लोग जाकर फाइट क्यों नहीं कर रहे, उस टावर के ऊपर दो बड़े डीमंस हैं जिनको चूजिन हीरो है वह उसको नहीं हरा सकता इसलिए तुम्हें हेल्प करनी चाहिए। सिक्स कहता है चिंता मत करो वे लोग उसको देख लेंगे और हीरो हरा देगा। वह कहता लेकिन ऐसा नहीं होगा वह काफ़ी यदि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वह कहता अरे तुम चिंता मत करो हम लोग देख लेंगे ना और सारे लोग हैं और वैसे हीरो को कौन हरा सकता है, इतने दो लोगों को नहीं हीरो हरा पाएगा इन्हें चूजिन नहीं हरा पाएगा। वह कहते ठीक है तो वह खुद जा रही उनकी हेल्प करने के लिए तुम नहीं जाने वाले हो। रोज उसके पास आती हुई कहती है कि इसनो ठीक रहेगी, तो वह कहते चिंता ना करे वह बिल्कुल सेफ रहेगी। शाम हो जाती है सुबह से फाइट करती और इसनो आकर वापस कहती है आखिर तुमने बैटल को ज्वाइन क्यों नहीं किया, आखिर गिरिम अब तक क्यों नहीं जागी। वह कहता है गिरिम को जाग जाने दो तब जाएंगे, बस सुबह से यही कह रहा होता। लेकिन गिरिम अभी सपना देख रही होती है और मतलब कुछ सपने ऐसे देख रही होती है कि इसनो है जो कि मतलब सिक्स के साथ में कुछ बियर्ड चीज़ें कर रही होती है इस बारे में बोल भी रही होती है इसलिए जबरदस्ती आकर इसनो उसे जगा देती है। लेकिन अब सिक्स कहता है तो अब कैसा रहा है। एलिस उसके पास एक मशीन लेकर आई होती है और वो यूज करके दिखाती है और कहती है ये देखो ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। वो उसको दे देती है मशीन तो वो तैयार हो जाता है और इसनो कहती है आखिर वह क्या करने वाले हैं, सारे सोल्जर्स अभी भी टावर पर अटैक कर रहे होते हैं ऊपर चढ़ रहे होते हैं लेकिन वे लोग बाहरी साइड से उसी मशीन का यूज करके उन स्टेक को पॉइंट से शूट करके उससे चढ़ रहे होते हैं। पे कहता है सारे यूजलेस सोल्जर्स जब तक सामने से फाइट करते रहेंगे तब तक उसकी तरफ ही सारे डीमंस डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे और हम लोग आसानी से इस पर चढ़ के जा पाएंगे। फिर अंदर की तरफ खिड़की से देखते हैं अंदर बहुत सारे डीमंस होते हैं। सिक्स कहता है सभी लोगों से ध्यान रखने के लिए और कोई भी छूट ना जाए वरना नीचे गिरोगे मारे जाओगे। इसनो होती है जो कि पूरे दिन बैटल की होती है इसलिए कहती है उसके हाथों में इतनी ताकत नहीं है, उस बैटल के दौरान उसने सच में काफ़ी थक चुकी है। वह कहता है ठीक है लेकिन फिर भी गिर मत जाना वरना मारी जाओगे। लेकिन इसनो वह सच में यूजलेस की तरह नीचे गिरने लगती है। लेकिन इसनो के गिरने से पहले ही सिक्स होता उसको पकड़ लेता और अपने बैग पर ले लेता है जिसको वह काफ़ी एंजॉय भी कर रहा होता है और इस धीरे धीरे ऊपर जाने लगते हैं ऊपर ग्लेम और
ट्रेस्टा दोनों ऊपर ही होते हैं, और जो कि बात कर रहे होते हैं हमारे प्रमोशन जल्दी होने वाला है, मतलब हम जिस तरह से काम कर रहे हैं हम सच में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ट्रेस्टा उसकी बात सुनकर कहता है बिल्कुल। इधर एक आया था सिक्स भी ऊपर पहुंच चुका होता है, छुप छुप कर धीरे आगे तरफ बढ़ रहा होता है, इसने उसके बैक पर होती है अभी भी, उसको नहीं पता है उसको उतर भी जाना चाहिए, लेकिन केक मारता है जिससे कि ट्रेस्टा होता है नीचे तरफ गिर जाता है, और लेकिन वह नीचे गिरने से पहले ही अपनी कुछ स्टेज को पकड़ के रुक जाता है। ग्रेन कहता है क्या तुम ठीक हो, रुको मैं तुम्हें बचाता हूँ ब्रदर। वह कहता है बिल्कुल मेरी आकर हेल्प करो नीचे। वह कह रहा होता है रुको रुको मैं अभी आकर हेल्प करता हूँ। उन दोनों की इस तरह लवली डबली बातें सुनकर और भाईचारा देखकर रोज कहते हैं कितने इमोशनल है ना, लेकिन सिक्स उसको इग्नोर मारती हुए एलएस से कहता अभी कभी उसको शूट कर दो। एलएस कहती है बुलेट्स काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती हैं पर इसीलिए क्यों ना हम स्टोन से काम चलाना चाहिए। सिक्स कहता है बात तो ठीक है चलो क्यों ना गाय जी स्टोन उठाओ, और उसके मारने के लिए तैयार होता है। और भाई ग्रिमसी कह रहा होता है कि वैसे अभी के अभी तुम हमारे ऊपर मैं हिट करने वाला हूँ या फिर उसके ऊपर हिट करने वाला हूँ, तो अब तुम देख लो या कि तुम्हें अपना ब्रदर कितने ज़्यादा प्यारा है। इस तरह से कुछ टाइम के बाद जो गिलेम होता है वो दोबारा वापस आ गया होता है ऊपर अपनी कुछ सोल्जर से साथ में चढ़कर, लेकिन गिलेम होता है नीचे पड़ा होता है। ट्रिस्टा देखता है अपने ब्रदर को, तो वैसे ट्रिस्टा से कहता है अपने ब्रदर को बचाने के लिए आकर तुम क्या पे निकलने के लिए तैयार हो, बिकॉज वो अभी जिंदा है। लेकिन ट्रिस्टा होता है वो कुछ नहीं कर पाता और बस गुस्से में ही होता है। नेक्स्ट जब अपने रूम में होता है तो उसने उसके पास में आई होती है और सिक्स से कहती है कि उसका जो पे बैक है या फिर इनाम है जो उसने टावर को जीतने में हासिल किया उसके लिए मिला है, लेकिन बात सुनकर तो वह कहता है सच में काफ़ी ज़्यादा ही कम है। वह कहती है आखिर तुम कैसे कह सकती हो, मतलब ये कितना ज़्यादा लग्जरी व्यक्ति इस पैसे के साथ में अपनी लग्जरी लाइफ जी सकता है। तो वह अपनी जेपनीज में कहता है वह सच में कितने टाइम से अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए स्पाई तौर पर काम करते रहा है, लेकिन उसे कुछ ज़्यादा पे नहीं मिला है, कभी भी कहीं मिलता रहा है। ये बात सुनकर स्नो बिल्कुल समझ नहीं पाती आखिर भी लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन एलएस होती है उसके साथ में जेपनीज में बात कर रही होती है स्नो को, जिसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, मतलब पल्ले ही नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन वह एलिस को भी उसको इनाम दे देती है, पता नहीं वो लोग क्या बात करें छोड़ देती है उनके ऊपर ही। वह काफ़ी खुश होती है और कहती है जब वह चाइल्ड थी तब शायद किसी ने इतना ज़्यादा खुश किया होगा इनाम देकर उसको। नेक्स्ट डे कमांडर के पास में आए होते हैं स्नो और सिक्स दोनों लोग, लेकिन वह एक डे ऑफ मांग रहा होता है। तो स्नो कहती है कि वह क्या कह रहा है, तो कमांडर कहता हाँ उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वह कर सकता है, लेकिन तुमने हमारी जो विक्ट्री दिलाई, हमें जो टीजर दिलाया उसकी वजह से हमें जो डीमन लॉर्ड का एरिया है उसकी तरफ हमारे एक गेट खुल चुका है, लेकिन उनकी डीमन एक जनरल है हाइना जिसने की काफ़ी बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी, हमारे सोल्जर्स को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। हाइना भाई है जो कि पहले हम देख चुके हैं एक डीमल फोर्थ डीमन जनरल में से एक, लेकिन स्नो कहती है तुरंत उसे एक्सेप्ट करने के लिए सिक्स मना करता है, लेकिन बताती है इसको मैसेज एक्सेप्ट करने से कितने ज़्यादा प्रॉफिट भी होने वाला है। तो वह कहता है कि ये एनालिस्ट के मतलब ये जो स्ट्रेटजी बनाई गई है कि आपके एनालिस्ट द्वारा बनाई गई है। तो लॉर्ड कहता है हाँ बिल्कुल वह काफ़ी बड़ा फैन है तुम्हारा सिक्स, इसीलिए उसने ये सब किया। लेकिन वह एक डेविल स्माइल दे रहा होता है नीचे छुपकर, जिससे कि ग्रिम भी सिक्स समझ जाता है कि उसको गड़बड़ है। सभी लोग आकर इंडिया मतलब फाइट के लिए तैयार हो गई होती है, एक बहुत बड़ा युद्ध छोड़ने वाला होता है, यहाँ पर तैयार होता है कहते लेकिन मैं फाइट नहीं करने वाला। बिलो कहते हैं आगे तुम ऐसा ही क्यों करती हो हमेशा ही, वहाँ पर दोनों गर्ल्स भी आ चुकी होती हैं, स्नो कहती है तुम आखिर यही क्यों कहते हो कि तुम फाइट क्यों नहीं करने वाली हो। भाई कहता है ऑफकोर्स मुझे भी एनालिस्ट है बिल्कुल पसंद नहीं है, बिचस में जो भी स्ट्रेटजी बनाता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, हमेशा मुझे उन लोगों पर ज़्यादा शक रहती है, वैसे जो मुझे मानना चाहता और कुछ नहीं, इसलिए मैं उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाला हूँ। इन लोगों को देने के बाद हम फेक पावर के बाद वापस लौट जाएंगे। इधर दिखाया जाता है ना जो कि आ चुकी होती है अपनी डीमन आर्मी के साथ में और गोलम के साथ में, और सारे सोल्जर्स तैयार होते हैं फाइट करने के लिए। सिक्स कहता है ठीक है तो हमें अब तैयार रहना चाहिए, और सभी लोग बिल्कुल ही फाइट के लिए तैयार होती हैं। गोलम की आर्मी होती है मतलब डीमन की आर्मी होती है वो दो हिस्सों में बटने लगी होती है। सिक्स कहता है हमें अभी स्ट्रेटजी हमारी क्या बनाई गई है, तो सारे सोल्जर्स कहते हैं जो नीचे चलने वाले सोल्जर्स हैं डीमन्स के उनके साथ हम फाइट कर लेंगे, उनको हम देख लेंगे, और ये कहकर अटैक लेके जाने लगते हैं। सिक्स कहता है कि अब उसकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, मतलब अभी कभी ग्रेम को बुलाया जाए और उससे हाइना के ऊपर एक कष्ट लगाया जाए, लेकिन वह कहती है ग्रेम बेतू अभी पास आउट हो चुकी है इसीलिए हमको खुद ही देखना पड़ेगा, और चलो हाइना को मैं देख लूँगी अपनी न्यू ग्लेशियर स्वाड के साथ जो मैंने अभी खरीदी है 3 साल की मेहनत के बाद। एक निकल पड़ती है, रोज कहती है हाँ बिल्कुल उसको भी जब डीवन बढ़ है हाइना का उसको थोड़ा सा मीट चखना है, मतलब उसको पावर मिल जाएगी ना उसकी, इसीलिए निकल पड़ती है। एलिस कहती है कि अभी गोला है उसको अब तुम्हें देखना होगा उसके साथ फाइट करो। सारे डीवंस होते हैं फाइट के लिए निकल पड़ती हैं। इधर रोज होती है जो कि उसी बर्ड के ऊपर अटैक कर चुकी होती है हाइना, उस हाइना के बर्ड पर, और इधर दिखाया था हाइना के सामने अगर स्नो खड़ी हो गई होती उसे चैलेंज करती है अपनी न्यू ग्लेशियर स्वाड के साथ में, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। सिक्स होता है जो कि बस गोलेम से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन अपने ब्लड शूट करता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रिम के पास पहुंचता और कहता है एलएस से कि ग्रिम जाग गई, तो वह कहती है नहीं वह अभी सो रही है हमें थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन गोलेम पीछे आ चुका होता। एलएस कहती है रुको मैं उसको अपना एक डायनामाइट चोड़ा देती हूँ यानी एक बॉम्ब के साथ, वह C4 लिख देती है और अपनी एक डिवाइस पर रख देती है। वह कहता है कितना टाइम लगने वाला और कहाँ से लाने वाली हो, तो वह कहती थोड़ा टाइम दो। वो उसके ऊपर हिट करता है, पंची उसकी बहुत डैमेज हो जाती है, वह कहता है आखिर तुम जल्दी करो ना, लेकिन गोलम ऊपर तरफ आने लगता है, तो वह कहती शायद वे लोग अभी लंच टाइम पर होंगे।
इसीलिए। लेकिन जैसे जाकर किक करता है तो उससे उससे फर्क नहीं पड़ता, तो उस गोलम को ही पकड़ लेता है उसके अटैक को रोकने के लिए। और एलेक्स कहती है मेरे ख्याल से लंच टाइम में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए तुम थोड़ा सा ऐसा संभाल के रखो, बस आने वाला होगा हमारा पार्सल। पे कहता है ठीक है, तो अपने जो सूट की पावर्स होती है उसको यूज करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज होता है कि कुछ टाइम तक वह पैरालाइज हो जाएगा। सूट की पावर यूज करने लगता है जिसमें कि थोड़ा चार्ज होने में टाइम लगता है, लेकिन ऊपर रोज आकर गिरती है और कहती है उस बर्ड का साथ में टेस्ट बहुत बुरा था। सिक्स वह कहता है ठीक है तो अभी तुम हट जाओ, मुझे थोड़ा सा काम करना है। वह हट जाती है और तभी वह अपनी फुल पावर के साथ में उस गोलेम को उठाने लगता है अपनी सूट की पावर के साथ, उसके ऊपर वह डेटोनेटर या कहते हैं बॉम्ब भी लगा देती है एलेसा का। तभी वह उसको हवा में फेंक देता है गोलेम को, और वह डेटोनेटर को ऑन करके उसे वहीं तबाह कर देती है। सारे डीमंस और ह्यूमंस होते हैं बस उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं आखिर ब्लास्ट कैसा हुआ था। लेकिन इस ब्लास्ट की वजह से अभी सिक्स की हालत खराब हो चुकी होती है। लेकिन सिक्स होता है इस बात कंप्लेंट करता है एलेक्स से, कहता है अगर तुम मुझे एक ह्यूमन शील्ड की तरह यूज क्यों कर रही हो, मतलब वह खड़ा रह सकता है। ग्रिम के ऊपर स्टोन करता है, जाग जाती है। वह कहती है आखिर उसको हर बार इतना बैड ट्रीट क्यों किया जाता है। मैं कहता अभी तुम सही टाइम पर जाओगी, मुझे 3 मिनट का टाइम चाहिए, 3 मिनट तक मुझे सेफ करके रखो। वह वहाँ से बिल्कुल हिल नहीं पा रहा होता, पैरालाइज हो चुका होता। लेकिन ब्लास्ट के बीच में से आ रही होती है हार्ना निकल के, और एक फ्लेम ब्लास्ट लेकर आ रही होती है और कहती है काफ़ी इंप्रेसिव है, अटैक कर देती है सिक्स के ऊपर जिसको रोज आकर रोक लेती है। वह कहती है सच में ये काफ़ी अच्छा है, तुम्हारे साथ में फाइट अपने कंटिन्यू करना चाहती हूँ लास्ट टाइम वाली, बिकॉज तुम्हारे जो नाइट था वह तो बहुत आसानी से हार गए। लोग समझ जाते हैं कि स्नो की बात चल रही, स्नो की जो पूरी एक ग्लासी स्वार्थ थी उसको उसने पिघला दिया होता अपनी फाइट से। वह आकर कंप्लेंट करती सिक्स से कि उसका बदला ले वह, और उसकी जो स्वार्थ टोरी है उसका बदला ली। लेकिन वह कहता है ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज वह यहाँ से नहीं हिल सकता है। मैं कहती है आखिर ऐसा क्यों है, तो वह कहता है बिकॉज उसका सूट है अभी डिस्चार्ज पर चला गया है, इसलिए पहला है कुछ टाइम के लिए। तो ये बात सुनकर हाइना होती है वह भी अपना पावरफुल स्वार्थ मतलब फायर अटैक यूज करने लगती है जिससे कि वो उसको ढेर कर सके। लेकिन रोज होती है उसको मतलब सिक्स को हलाने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन गिरम यहाँ पर काम कर जाती है अपने कर्ज द्वारा उस पर अटैक करती है जिससे कि आखिरकार वह कर्ज होता है हाइना पर बर्द भी कर जाता है और सिक्स का भी काउंटन पूरा हो जाता है। तो वह कहता है चलो तो ठीक है ना। लेकिन इस बार हाइना उसको ऑफर करती है और कहती है डिवाइन आर्मी में अगर वह शामिल हो जाए तो वह उसके साथ में काफ़ी अच्छा रहेगा। वह भी तुरंत ही एक इडियट की तरह चला जाता है और उससे कहता है ठीक है, और उसकी तारीफ करने लगता है और एंटरटेन करता है। वो उसको हाथ बढ़ाने लगती है जिससे कि वह हैंड शेक कर सके, उसके साथ वह हाथ भी बढ़ाता है। लेकिन तभी स्नो आ जाती है बीच में और उसके हाथ पर हिट कर देती है और रोक देती है। लेकिन अचानक से उसके हाथ से एक स्टोन होता है रेड कलर का गिरता है जिसको एलेक्स दूती है पकड़ लेती है और कहती है आखिर ये क्या, शायद ये कोई यूनिक चीज़ है जिसको वह छुपा रही थी। और ग्रिम के कहने पर यहाँ सब लोगों से पता चलता है ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हाइना होती है पावर यूज कर रही होती है, हाइना इसके बिना अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकती और वह यूजलेस है। वह काफ़ी बेचारी रोने लगी होती है और अब वह इस तरह से मुंह बना लिया होता है, इसीलिए इस मौके को कहाँ छोड़ने वाला होता सिक्स, और काफ़ी सारे फोटोज लेने लगता है। रोज कहती है आखिर वह करके आ रहा है, हमें क्या स्टोन को उसको वापस कर देना चाहिए। सिक्स कहता है मजाक कर रही हो क्या, अभी तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें बाकी हैं। और स्नो भी इसी बात के लिए अपनी जो ग्लेशियर स्वॉर्ड होती है उसका बदला भी लेना चाहती है। लेकिन वह अपने डीमन बीस्ट को बुलाती है और वहाँ से चली जाती है और कहती है इसका बदला जरूर लेगी, और सारे डीमन सोल्जर्स को रिट्रीट करने के लिए कहती है। इस तरह से सिक्स कहता है हमारी विक्ट्री हुई, और सारे लोग इस बात को चेयर अप करते हैं, सारे लोग इस बात के लिए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और यहाँ तक कि उसकी टीम होती है सिक्स की वह भी सेलिब्रेट कर रही होती है। लेकिन अपना प्ले बॉय का एक्ट होता है वह नहीं छोड़ता और प्ले बॉय की तरह काफ़ी अच्छा एंजॉय करता है। लेकिन स्नो होती है वह सिक्स को लेकर आती है उसके रूम और फेंक देती है और कहती है इस गधे को अपने संभाल के रखो बिकॉज ये हर बार मेरी बेइज्जती करते रहता है, अगली बार भी उसको नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन पास्ट के बारे में थोड़ा सोचती है जहाँ पर कि स्टेडियम बनाने वाला जो बंदा होता है वह स्नो के पास आता है और उसे कहता है कि उन दोनों जो डुआ है उसको वह एक स्पाई के तौर पर सिद्ध करे, अगर भी स्पाई नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको स्पाई बनाए जिससे कि वह उसको यहाँ से निकाल सके, और इसके लिए वह थोड़ा एक्स्ट्रा पे करने के लिए कहता है। लेकिन स्नो होती है अभी काफ़ी सैड होती है और सोच रही होती है किस तरह से उसने उन लोगों के साथ में काम किया है, इसीलिए वह इस काम को नहीं करेगी और हमेशा अपनी टीम का साथ देगी। जब गेट पर होती है तब अंदर से सिक्स होता बात कर रहा होता है कि हम लोग स्पाई हैं और इसीलिए हमें स्पाई के तौर पर हमें आगे अभी क्या करना चाहिए। लेकिन एलेक्स कहती है ये सारी बातें यदि तुम करना चाहते हो तो तुम्हें जैपनीज में कहना चाहिए, इससे कुछ ना सुने। लेकिन तभी दरवाजा खोलता और स्नो आती हुई कहती है अगर वह अभी क्या बात कर रहा था, एजेंट्स के बारे में या स्पाई के बारे में। वह कहता है कि तुम इस तरह से बिना नौकरी यहाँ पर कैसे आ सकती हो। वह कहती है तुमने हमारी कंट्री की बहुत ज़्यादा हेल्प की है और काफ़ी सारे बॉर्डर्स में हेल्प की है जीतने में, इसीलिए अभी कि अभी तुम यहाँ से छोड़कर चले जाओ मैं कुछ नहीं कहूँगी। नेक्स्ट डे अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है स्नो, जिसमें कि वह पुरानी बातों को भी अभी सोच रही होती है अगर किस तरह से बेलोग डू है जब छोड़कर चला गया इस कंट्री के लिए यानी इस बैटल के लिए, तो उसको भी कमांडर की पोजिशन दे दी गई है और बस सच में एक मनी ग्रेवर्स के अलावा कुछ भी नहीं है। रोज और ग्रेम वहाँ पर आती हैं और रोज उसको बताती है किस तरह से आर्मी वगैरह अटैक करने वाली है, उसके बारे में उसकी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। वह कहती है चिंता ना करें, उसने सब कुछ उसके बारे में प्लानिंग वगैरह चल रही है। चिंता ना करें, वह भी उस बात के लिए ठीक होती है। लेकिन वह भी सोच रही होती है उन दोनों डुओ के बारे में, आखिर वो लोग यहाँ से चले गए तो फिर क्या ही कर रहे होंगे।
इधर दिखाया जाता है सिक्स जो कि अपने न्यू रूम ले लिया होता है, अभी रेंट पर वहाँ पर आराम से एंजॉय करता है। एलिस बाथरूम जाती है और कहती है हमें कुछ बात करनी होगी, अंदर आ जाते हैं जहाँ पर उनका नेक्स्ट प्लान के बारे में सोच रहे होते हैं पर अभी हमें क्या करना चाहिए, जिस प्लान के वजह से यहाँ पर स्पाई बनकर हम लोग आए थे मतलब किचरागी ग्रुप के, क्योंकि यहाँ पर प्लान पर कब्जा करना चाहता है। वह कहती है मतलब वह कहता है लेकिन डीमन लॉर्ड की जो आर्मी जो करने की ट्राई कर रही है, लेकिन वह भी किचरागी जो कंपनी है फिर ऑर्गेनाइजेशन उसके खिलाफ कुछ ही नहीं कर पाएगी, फिर उसके मैच नहीं हो पाएंगे। मैं कहती है ठीक है लेकिन फिर भी मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हो। मैं कहता अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई डिस्टर्ब वाली बात नहीं है। तो मैं कहती ठीक है हमारे टेलीपोर्टेशन रिपेयर होने में और स्टार्ट होने में एक मंथ का टाइम लगने वाला है ना, तो तब तक तुम जाकर बाहर अपने एंजॉय कर सकती हो और अपने जो भी करना चाहती हो कर सकती हो। मैं कहती इस बात के लिए ठीक है तैयार। मैं कहती लेकिन फिर भी तुम इसके लिए ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंट तो नहीं होना, मतलब इस तरह से आर्मी में आ गया और डीमन लॉर्ड की आर्मी जो कि उस जगह पर मतलब इस कंट्री पर अटैक करना चाहती हूँ, डिस्ट्रॉय करना चाहती है। मैं कहता लेकिन वह क्या कर सकता है, उसने जो कर सकता था उसने किया, उसके लिए वह डिसअपॉइंट नहीं है और ना ही वह चूजन हीरो है। वहाँ से वार की तरफ आ जाता है और जो गर्ल्स होती हैं उनको हरेस करना स्टार्ट करता है जिससे उसे ईविल पॉइंट्स मिल सके, लेकिन ऐसे काफ़ी सारी गर्ल्स होती हैं उनको हरेस करता है, डराने लगता है लेकिन पॉइंट्स मिलना बंद हो चुकी होती हैं। सामने जो गर्ल होती है वो रो रही होती है, बस पीछे से स्नो और रोज आ जाती है और डराने की ट्राई करता है अरे ये कौन आ गए। स्नो कहती आखिर ये बेवकूफ़ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम इस तरह से लोगों को हरेस कर रहे हो परवट कहीं के। बै कहता है बै बस कल डीमन लॉर्ड की आर्मी अटैक करने वाली है उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। स्नो कहती मतलब तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या। बै कहता है इसमें क्या समझने की बात है, जरूरी है क्या। लेकिन इस बीच दोनों बहस होने लगती है तो रोज दोनों को अलग करती हुई कहती है कि उसने आखिर आर्मी को क्विट क्यों कर दिया। बै कहता क्या मतलब तुम्हें पता नहीं। बै कहती है हाँ बिल्कुल स्नो ने हमें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। बै कहने लगता है बिकॉज स्नो के जो टॉर्चर है और आगे नहीं झेल सकता इसलिए उसने आर्मी क्विट कर दिया। बै कहने लगती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या, और ये कहकर उसको बहस करने के लिए तैयार होती है। रोज उसको रोकने लगती है। नेक्स्ट डे सिक्स एक बॉस शॉप से कुछ खरीदने के लिए आया होता है लेकिन वह गर्ल होती है अपने पास में एक पोस्टर देखती है जो कि उसका लगाया होता है जो कि जिप सिंगर के तौर पर पूरी जगह पे फेमस हो गया होता है, इसलिए लोग उसको बस मजाक बना रहे होते हैं। जब वह वापस जाता है तो एलिस भी उसको जिप सिंगर ही बुला रही होती है और वे कहती वैसे तुम्हारा नाम काफ़ी अच्छा है, तुम फेमस हो गई हो। वह कहने लगता है आखिर मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन वे कहने लगते वैसे अभी हमें जो भी प्लान है उसके अकॉर्डिंग आगे चलना चाहिए। उसके पास में 501 ईविल पॉइंट मिल चुके होते हैं जो उसने ईविल काम किया होता है, इसीलिए वह कहती आखिर वह किस तरह से इसको यूज करने वाला है। तो वे कहता है तुम्हें क्या लगता है, तो वे कहती क्यों हम लैंड माइंस वगैरह कुछ लगा दें जो कि काफ़ी अच्छे रहे कल के बोर के लिए। कहते ठीक है और आ जाती है जब कुछ गड्ढे खोदने लगती है और जहाँ पर एलएस होती है सारी लैंड माइंस फिट करने लगती है। वे कहती हैं मुझे नहीं लगता है वैसे ये बेवकूफ़ इसमें फंसेंगी, वैसे यदि फंस भी गए तो बेवकूफ़ ही होंगे इतनी बड़ी आर्मी इसमें इस तरह से फंसना। वे कहती है ठीक है लेकिन हमारी साथी इसमें मतलब सोल्जर ना फंस जाएं। जब जा रहे होते हैं तो सारी पूरी सिटी होती है बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही होती है, सब लोग आज के अटैक के लिए होते हैं। तो सिक्स पूछता है एक गर्ल से लेकिन वह काफ़ी पैनिक से जाती है एक जिप सिंगर को देखकर, लेकिन एलिस उसे पूछती है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है तो सब सिचुएशन बताती है। हमारे चूजिन हीरो है जो कि मिसिंग हो चुका है, वह टेलीपोर्टेशन मैजिक के या फिर जो मतलब मशीन होती है उसके पास आ जाता है और कहता है कि अभी हमें तैयारी कर लेनी चाहिए जाने की, लेकिन वह हीरो है वो कहाँ गया। तो वह कहती है मेरे ख्याल से वह टेलीपोर्ट हो गया है डीमन लॉर्ड के साथ में फाइट करने के लिए और वह रैंडमली टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज किया है इसीलिए उसे नहीं पता कहाँ पर, इसलिए हम मान सकते हैं कि चूजिन हीरो है वह डेड, खत्म उसकी कहानी। वह कहने लगता है कि मतलब क्या तुम्हारा, तो वह कहती है तुम्हें शायद नॉवल्स वगैरह की जो स्टोरी या फिर मांगा या फिर कह सकते गेम वगैरह नहीं जानती हो क्या, किस तरह से टेलीपोर्टेशन मैजिक वर्क वगैरह करते हैं। वह कहता है अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा ठीक से समझाना स्टार्ट करूँगी क्या। वह कहने लगती है अभी जो डीमन लॉर्ड की आर्मी उसके साथ फाइट करने वाली है चूजिन हीरो खत्म हो चुका है तो अब तुम समझ नहीं रहे हो। वह कहता है हाँ बिल्कुल हमें एस्केप करना है। दोनों तैयार हो जाते हैं भागने के लिए टेलीपोर्टेशन द्वारा, लेकिन नॉक होती है। वह कहता नहीं, वहाँ से प्रिंसेस आती है टेलिस और वह देखकर कहता है नहीं 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 प्लीज़ दूर रहो मुझे तुमसे कुछ बात ही नहीं सुननी है। वह उसको एक उसका बैग देती है जो कि उसका पैरासूट होता है और कहती है तुम इसे भूल रही हो, तुम जब आते टाइम तुम्हारा ही था ना। वह कहने लगता है मतलब क्या। वह कहने लगती है तुम लोग अदर कंट्री के स्पाई हो ना यहाँ पर आयो। वह कहने लगता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम गलत समझ रही हो। वह कहने लगती है मुझे पता है। वह तुरंत ही घुटनों पर आ जाता है और कहने लगता है मुझे माफ़ करना, हम लोग स्पाई हैं लेकिन फिर भी प्लीज़ माफ़ कर देना। वह तुरंत हंसने लगती है तो वह कहता है कि अब उसको अरेस्ट नहीं करने वाली है। वह अपने गार्ड्स को वापस भेज देती है और कहती है बिल्कुल नहीं, और वह रिक्वेस्ट करती हुई कहती है कि उसकी जो कंट्री है उसका लास्ट टाइम कल ही होने वाला है, उसकी कंट्री पूरी तरह से कल खत्म हो जाएगी, उसे पक्का पता है इस बात के लिए। लेकिन वह चाहती है उस तबाही को देखने के लिए वह रुक जाए कल के लिए और इस सबके बारे में डीमन लॉर्ड के बारे में तबाही के बारे में और कंट्री उनको भी वार्न कर दे। जब एक जगह खड़ा होता है और बात कर रहा होता है एलिस से आकर हम लोगों ने उसके रिक्वेस्ट को मना क्यों किया और मान क्यों लिया, रुकने क्यों तैयार हुई। तो वह कहने लगती है डीमन लॉर्ड की आर्मी तुरंत जल्दी अटैक करने वाली उसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा वहाँ पर तो गर्ल्स आ जाती हैं तीनों और वह सिक्स को अपने लीडर यानी कमांडर मानती हैं इसलिए कमांडर से बात करती हैं।
तो वह कहते हैं आखिर आप भी यहाँ पर फाइट के रुकने वाले हैं, तो वह कहने लगता है चिंता मत करो, वैसे फाइट होने वाली है तो उसमें तो अपना ज़्यादा ख्याल रखना। रोज कहती वैसे आप भी तो फाइट करने वाले हैं डीमन आर्मी के साथ में, वैसे यदि कोई खतरा हो तो तुरंत तुम यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना रोज। लेकिन दुश्मनों कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, हमें यदि कोई खतरा हो तो हम अपनी लास्ट फ्रंट लाइन मतलब लास्ट लाइन बनने वाले हैं और हम जान भी दे देंगे कंट्री के लिए। लेकिन दोनों गर्ल्स की सोच इस बात के लिए नहीं होती है, स्नो के साथ में इसलिए मजाक बनाता है। तो दोनों के बीच में बहस होने लगती है, दोनों गर्ल्स कहती हैं सच में लवली डबली कपल की रेसिंग चल रही है। इधर दिखाया जाता है कमांडर सारी आर्मी को तैयार कर चुके होते हैं बिकॉज ये फाइनल बॉल होने वाली है। प्रिंस कह रही होती है कि हमें क्या करना चाहिए और डीमन लॉर्ड क्या करने वाला है, लेकिन एलएस और सिक्स भी इस बारे में बात कर रही होती है तो वह शॉक जाती है कि वे लोग भी हमारी इतनी हेल्प की तैयार हैं अभी। लेकिन इधर दिखाया था हार्नी डीमन लॉर्ड की फोर जेलेंस में ऐसी होती है, वह कह रही होती है चूजिन बने हैं वह भी खत्म हो चुका है इसलिए हमारे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं बचा है। लेकिन सोचने लगती है सिक्स के बारे में तो सोचती है नहीं खतरा तो बहुत बड़ा अभी बाकी है, सभी लोगों से आगे बढ़ने के लिए कहती रहती है। लेकिन सारे सोल्जर आगे जा रहे होते हैं तो लेकिन उसके पास में गैंडलर आता और वह कहता आखिर एक छोटी टिनी सी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे उसकी मतलब मेरी हेल्प क्यों मांगी थी उसने, तो वह कहने लगता है इतनी जल्दबाजी मत करो, तो ये पता है ना बेवंदा जिसने कि मुझे भी हराया तुम्हारी फाइट भी हो चुकी है, बेवंदा कोई आम नहीं है। अचानक से एक गोलेम होता है डिस्ट्रॉय के नीचे गिरने लगता है, तो वे लोग कहते हैं आखिर हो क्या रहा है, ये जरूरी सिक्स का कोई मतलब चाले होंगी। वे और भी गोलेम गिरने लगती है काफ़ी माइन एक्टिवेट होने से, तो गर्डल होता है सामने चेक करने जाने लगता है। लेकिन वह सामने तरफ जाने लगती है तो उसे कुछ चमकती हुई चीज़ दिखती है, जो देखती है एक रेड स्टोन होता है जो कि उसकी मैजिक को दोबारा से रिफिल करने में या मैजिक यूज करने में काम आता था। वह काफ़ी इमोशनल हो जाती है, आसपास में चेक करती है कहीं सिक्स तो नहीं है, उसे उठाने के लिए बैठ जाती है और इमोशनल हो जाती है। इधर एलिस बात कर रही होती है अपनी प्लान के अकॉर्डिंग, वह कहती है यहाँ पर कास्ट और मैजिक जैसी दो चीज़ें हैं उसके बारे में काफ़ी जल्दी अजीब चीज़ें हैं। वह कहने लगती है प्रिंसेस उसको मैजिक आता है, सिक्स कहता है अच्छा तो यूज करके दिखाओ। वह कहती है ठीक है, वह थोड़ा गया गौर से देखे एक ही बार भी यूज करके दिखा पाएगी। वह करने लगती है लेकिन इससे सिक्स के लिए कुछ इविल पॉइंट मिल रही होती है। वह कहने लगता है ओ सच में, और पूछते से वह प्रिंसेस को इग्नोर मार देता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन जब वह मैजिक कुछ टाइम यूज करने के बाद कहती है कि तुमने कुछ देखा, सिक्स कहता है उसने उस पर ध्यान नहीं दिया था। CMLS भी कहती है हाँ उसका ध्यान भी उस पर नहीं था। इधर दिखाया था डीमन लॉर्ड की आर्मी भी काफ़ी डिले हो रहा होता है, तो LS कहती है ईसा हमारी जो लैंडमाइन लगाई है उसकी वजह से हो रहा है, वे लोग काफ़ी डिले हो रहे हैं। तो भाई कहता है ठीक है काफ़ी अच्छा हम लोग घर भी वापस जा पाएंगे। लेकिन प्रिंसेस कहती है कि सच में ठीक रहेगा मतलब इस तरह से उनका अटैक करना। वह कहने लगता है आपको चिंता मत करो तुम, उनको टाइम काफ़ी लगने वाला है। लेकिन है ना होती है जिसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है, पता नहीं कौन सी चालें और भी चली होती हैं जिससे हैना की हालत ख़राब हो गई होती है। बिल्कुल अटैक के लिए जा रहे होती है और आखिरकार सिटी यानी कंट्री के गेट पर पहुंच चुकी होती है अटैक करने के लिए। स्नो स्नो और मतलब ग्रिम दोनों देख रहे होते हैं ऊपर से, स्नो सोच रही होती है ये फ्रंट लाइन पता नहीं ग्रिम अब क्या करने वाली, उन गोलेम को जल्दी से ढेर करने के लिए कुछ करे। ग्रिम अपने पास से कुछ निकालती है और कहती है ये रिंग्स हैं जो कि सारे गोलेम्स को ढेर करने के लिए तैयार है। मैं वह अपने रिंग्स को यूज करने वाली सब गोलेम को खत्म कर लेगी। स्नो कहती है चिंता ना करें उस सभी को वह खुद ढेर करने वाली है, बाकी सब कुछ हो दे। तो जो गोलेम्स होती हैं गेट डिस्ट्रॉय कर देती हैं और सारे सोल्जर्स पीछे भागने लगते हैं। हाइना कहती है उन सब अटैक करने के लिए, तो स्नो भी कहती है अपने सोल्जर्स के साथ अटैक करने के लिए। ग्रिम होती है जो अपनी कस्ट मैजिक यूज करती है और गोलेम को ढेर करने लगी होती है। इसने अपने सभी सोल्जर्स को साथ में लेकर अटैक करने की भागने लगी होती है। हाइना होती है जैसी देखती ग्रिम के लिए तो उसको डिफेंसलेस देखकर अटैक कर देती है फायर से, लेकर रोज आकर प्रोटेक्ट करती है। तो उसकी फायर को भी वह अपने कष्ट से द्वारा कष्ट करने की ट्राई करती है लेकिन फेल रहती है। हाइना बताती है उसको वह डबल या फिर रिकर्स नहीं कर सकती, तो ग्रिम कहती है तो उसको वह जब तक कष्ट करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई ना कोई एंटीक या आर्टिफैक्ट है। लेकिन वहाँ पर गेंडल आता है और वह कहता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन तभी रोज उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन वो उसको पकड़ के ऐसे दीवार में फेंक देता है जैसे कि वह एक मक्खी या फिर कुछ बॉल वगैरह हो। लेकिन तभी अश्नो आकर उसको प्रोटेक्ट करने लगती है, तो उसके ऊपर जैसे गर्ल अटैक करने को होता है वह डर रही होती है, उसके ऊपर फायर से अटैक होता है। वह कहने लगती है सारे अटैक बिल्कुल उसके सामने यूजलेस है बिकॉज वे एक हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन है, इसलिए वह इतनी ज़्यादा ह्यूमन्स का भी साथ क्यों दे रही है। ये बात सुनकर रोज कहती है बिकॉज अपने ग्रैंडफादर के लिए सब कर रही है, अपने फ्रेंड्स के लिए सब कर रही है। इसने काफ़ी डर रही होती है लेकिन अभी वे ग्रिम को प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो ग्रिम कहती है रोज को अपने साथ में फाइट करने को देखकर कि इसनो अभी तुम जाओ यहाँ से, हम लोग इसको देख लेंगे और तुमको जाकर अभी प्रिंसेस को देखना चाहिए। वह समझ जाते कि बेलो उसको भागने के लिए कह रहे हैं और हाँ वह भी भाग जाती है। रोज और ग्रिम इन दोनों एनिमीज को अभी बिजी रखने के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन इधर दिखाता है सिक्स जो कि प्रिंसेस ट्रिप को लेकर जाने लगता है, लेकिन ट्रेंट होती है वह वहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती और किसी की विजय पकड़ लेती। वह कहता है यदि तुम बच जाओगी तो कंट्री की विजय मानी जाएगी, जीत मानी जाएगी। लेकिन जब भागकर जा रहे होते उसने सामने आ जाती है और वह कहती है सिक्स की उसकी हेल्प चाहिए। एलएस मना कर देता है तुरंत ही और सेम दो लोग करते हैं। लेकिन प्रिंसेस को भी बात पसंद नहीं होती कि एलेक्स इस तरह से मतलब सिक्स इस तरह से भाग रहा है। लेकिन इसने उसको पकड़ लेती और कहती है वह कुछ भी चीज़ उसे ऑफर करने के लिए तैयार है सिक्स की हेल्प के लिए। लेकिन तभी एलेक्स कहती है सच में तुम इस ज़्यादा ईविल नहीं हो या फिर इतना सॉफ्ट हार्टेड हो इसीलिए तुम्हारे भरोसा नहीं हो रहा। लेकिन वो उसे सेटअप करता है और कहता है चलो मेरे साथ में आओ। फिर छत पर एक जगह आ गई होती हैं तो इसने कहती है कि भाई क्या कर रहा है। वह कहने लगता है बिकॉज हम यहाँ से बाहर गेट तक जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसे हेल्प करने वाले हैं। लेकिन
एलिस कहती है हमारे पास इतनी पॉइंट नहीं है कि हम कुछ मंगा सकें। तो बैक कहता है ठीक है तो मुझे ईविल पॉइंट चाहिए होंगे, लेकिन बैक कहती है ईविल पॉइंट चाहिए तो तुम्हें किंग के पास में जाना चाहिए जहाँ से तुम्हें ज़्यादा मिल पाएंगे। लेकिन दोनों लोग स्नो और प्रिंस उसे रोकने लगती हैं। तो बैक स्नो भी अपने आप को यूज कराने के लिए तैयार होती है उस ईविल पॉइंट देने के लिए। उसके पास जाने लगता है, उसके बहुत करीब जाने लगता है एक पर्वत की तरह, जिसे प्रिंस देख कर उसे पर्वत ही बुला लेती हैं। इधर डीमंस होते हैं अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि रोज भी अभी अटैक कर रही होती है और हाइना अभी भी डिफेंसलेस देख रही होती है। ग्रिम केली झील पर अटैक कर देती है उसके ऊपर, लेकिन तभी अचानक से एक शॉट आकर लगता है, उसका गोलेम खत्म हो जाता है। बहुत सारे गोलेम इस तरह से खत्म होने लगती हैं। तो ग्रेंडल भी कहता है कि आखिर चल क्या रहा पा है ना। ऊपर की तरफ देखती हुई कहती है ये एक हाई लेवल स्पेल या फिर हाई लेवल मैजिक है, जो कि ऊपर की साइड से यानी ऊपर से कोई अटैक कर रहा है, यहाँ पर कोई है। इधर दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि सिक्स होता है, जो कि एक हाई लेवल स्नाइपर को यूज कर रहा होता है। और अलैसा उसकी हेल्प कर रही होती है। वह स्नो से पूछता है कि उसे कहाँ हिट करना चाहिए। स्नो कहती है सेट अप स्टूपिड और तो अपना काम करो। वह काफ़ी एम्बैरेस्ड होती है जो भी सिक्स ने उसके साथ में किया होता है। इसीलिए वह कहता है चलो सारे गोले मरने के बाद ये बैटल आसान होने वाली है। काफ़ी सारे डीमंस होते हैं उड़कर आने लगते हैं उनकी तरफ ही, तो नीचे तरफ चले जाते हैं जहाँ पर कि सामने से आ जाती है और आयना कहती है सिक्स तुम लोगों को तो अब हम नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन सिक्स कहता है तुम लोग तो हमारी जाल में फंस गए हो। लेकिन गेडल कहता है अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लाकर हमारे सामने कर ही पाओगे। उसकी तरफ स्नाइपर पॉइंट करता शूट करता, लेकिन जिससे वह डॉज कर लेता है। वह कहता है सच में उसके हाथ में जो वेपन है वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस वेपन को बार बार यूज नहीं कर सकता, उसे थोड़ा टाइम लगता है। सिक्स एलिस से कहता है उसका आर बस था यानी उसका वेपन है वह दे, लेकिन वह कहती है उसके पास में ईविल पॉइंट नहीं है जिससे कि वह उसको समन या फिर यहाँ पर ला सके। इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। लेकिन फिर भी वह उसकी रिक्वेस्ट के लिए भेजने लगती है। लेकिन जो डिमन होता है गैलडर वह अटैक करने के लिए कहता है, वह अपनी शॉट से मतलब एक हिट करता है, जिसके बाद उसको अपने किक से अटैक करना स्टार्ट करता है। स्नो बेबी अफी यदि हेल्प कर रही होती है इस बैटल के दौरान, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका सेवलसा होता आ जाती है, उसकी वेपन आ जाता है जिसको एलिस कहती है यूज करने के लिए। बस तुरंत ही उसे ले लेता है और कहता है चलो पार्टी अब स्टार्ट होने वाली है। उसकी एक पायर को अपने आर्मर से कनेक्ट कर देता है उसको एनर्जी देने के लिए, अपना रूस जो सूट होता है उसको चार्ज करने लगता है। इसने कहती है आखिर वह क्या कर रहा है, तो वह कहता है जस्ट वेट एंड सी। एलिस उसको थमकर सबका इशारा देती है और अटैक करने के लिए कहती है। वह तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है एक चैनसर मैन की तरह, उन सभी डीमंस होते हैं उनको कट करने के लिए। हाइना देख कर शॉक्ड रह जाती है कि उसके सामने शायद ग्रिम रीपर है, सोल ग्रिम रीपर, जो कि इस तरह से डांस कर रहा है। इसने एकदम डर जाती है, कुछ कई टाइम भी बनने से बच चुकी होती है उस अटैक की वजह से। कुछ टाइम के बाद यानी इस मौत के टाइम के बाद सब में केवल डिस्ट्रक्शन हो चुका होता है। स्नो कहती है तो पता भी है मैं मरने से बच चुकी थी, यहाँ तक कि प्रिंसेस बेचारी छुपी हुई होती है और ना वह भी मर चुकी थी। और स्नो कहती है कि हाइनी बेबी अभी भी जिंदा है। तो वह कहने लगता है ओ ठीक है, उसके पास एक मौका है। और हाइनी वहाँ से भाग जाती है तुरंत ही अपनी जो भी ट्रूप्स बची होती है उनके साथ में। लेकिन स्नो कहती है कि उसको इस तरह छोड़ देना ठीक रहेगा। वह एक जगह बस बैठा होता है 3 मिनट के लिए, कूल डाउन में होता है उसका सूट। इसीलिए मैं कहता हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे तुम अपने आप को तैयार कर लो लॉडी सिंक्स करने के लिए, जिसके लिए तुमने वादा भी किया था। तो टिमेट कहती है अभी उसको सोल्जर्स का स्पीच देने को इसलिए जाना है। एलिस भी कहती है हाँ बिल्कुल, उसको भी यहाँ से जाना होगा, थोड़ा काम है। लेकिन एलिस के मतलब स्नो उसके पास आकर कहती है किसी भी तरह की लॉट थिंग उसके लिए नहीं कर सकती अभी इस टाइम पर। वैसे वह उसको पसंद करती है फिर भी। लेकिन सिक्स कहता उसने तो कभी नहीं कहा था कि वह उसको पसंद करता, इसीलिए वह तो उसको वन नाइट के लिए बुला रहा था। लेकिन वह उसको गुस्से में आती है और उसको शॉर्ट से अटैक करना स्टार्ट कर देती है। उसका कूलडाउन खत्म होते हुए भी भाग जाता है। एक जगह आ जाती है सारे सोल्जर्स की हीलिंग वगैरह चल रही होती, इंजर्ड हो गई होती है। प्रिंसेस उसे थैंक्स कहती थी हेल्प करने के लिए। वह कहता हाँ बिल्कुल, वैसे उसने इस कंट्री की हिस्ट्री में अपना नाम तो पहले दर्ज करा दिया, ऐसी कोई कंट्री नहीं बची होगी जहाँ उसकी हिस्ट्री में नाम ना हो। वह उससे कहती दोबारा वह नाइट बनना चाहेगा, तो तुरंत ही मना कर देता और कहता नहीं। पीछे रोज आकर उसे हक करती और अपने कमांडर को काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रही होती हैं। इसने और बाकी सारे लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं उसे यहाँ रुकने के लिए, तो वह भी यहाँ आने के लिए मान जाते हैं, रुकने के लिए मान जाता है। लेकिन एलिस और सिक्स दोनों खड़े होते हैं स्ट्रेटजिस्ट के रास्ते में, इस तरह से लाइक कोई बैड ब्यूगल्स के ग्रुप हो। लेकिन तभी वह उसको रोक लेता और अपने पास से कुछ टेप निकालता है। जो ओल्ड मैन होता है उसके सर पर जो भी बाल होते हैं उस टेप से उधेड़ देता है, जिससे उसे कुछ ईविल पॉइंट्स मिल जाते हैं और अब काफ़ी खुश होता है। इसके बाद जो एलिस के साथ में होता है तो एलिस उसे पूछती है आखिर अब उसको यहाँ से टेलीपोर्ट से जाने का तो टाइम आ चुका है, लेकिन तुम्हें पता है ना हम लोग जा तो सकते हैं, आपने तुम्हारा हाथ जरा चेक करो। इस मशीन में लिखा होता है 1 नाइट पॉइंट माइनस। वह कहते हैं तुम इस तरह से जाओगे तुम्हारी तो अच्छी से पनिशमेंट मिलने वाली है, इसलिए अभी हमको यहाँ पर रुकना ही ठीक रहेगा जब तक तुम्हारे जो पॉइंट्स हैं रिकवर नहीं हो जाते हैं तब तक। मैं कह लेते हैं थैंक यू सो मच, तुम मेरी बेस्ट पार्टनर हो अब तक की। मैं अभी जाता हूँ, सारी जो गर्ल्स हैं उनको डराता हूँ और ईविल थिंक करके थोड़ा सा पॉइंट बढ़ाता हूँ। वह कहने लगती है वह बस एक हाई टेक रोबोट है, एआई रोबोट, वह उसकी पार्टनर नहीं। बाय द वे थैंक्स पार्टनर के लिए। वह इधर पहुंच जाता है और अपने बहस कर रहा होता है फिर से अपनी कमांडर के साथ में, मतलब एस्ट्रोनॉट के साथ में, जो कि उसे कह रही होती है आखिर भाई यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है। वह कहने लगता है
कि आखिर तुमने यहाँ पर मुझे ऐसी मशीन के साथ में टेलीपोर्ट करके भेजा जिसके हाफ सक्सेस रेट हैं। भाई क्या लगती है तुम, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फेवरेट नोवल का नेक्स्ट पोलम भी खरीद कर दे दूंगी। उसको इग्नोर मारती हूँ, कहता बिल्कुल नहीं। भाई कहती है लेकिन तुम अभी भी टेलीपोर्ट होकर आ क्यों नहीं रही हो। भाई कहता यहाँ पर मैं बॉस हूँ तो इसीलिए यहाँ पर मेरी कुछ क्यूट सबोर्डिनेट्स हैं जिनको मैं छोड़कर आने की इच्छा नहीं कर रही है। भाई कहने लगती है ठीक है, तुम्हारी वैसे टीम में सबोर्डिनेट से वह तो है तो काफ़ी क्यूट ही। भाई उसके साथ में बहस करने लगता है, उनकी बहस काफ़ी लवली डबली जा रही होती है और इस तरह से कुछ फ्रस्ट्रेशन करने के बाद बाहर आ गया होता है जहाँ पर कि एक हाइब्रिड टाइप ये कह सकते हैं टाइगर मैन होता है जो उसे चैलेंज कर रहा होता है अब तक की जो उसकी प्रैक्टिस हुई होती है उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ उसके लिए। एलिस बस बैठ कर देख रही होती है। भाई कहने लगता है भाई बस वुमेंस में फेमस है कुछ नहीं, एलिस सिक्स भी कहता हाँ बिल्कुल उसमें कौन सी कमी इस चीज़ में। भाई कहते हैं ठीक है तो फिर हम तैयार हो जाते हैं, दोनों पार्ट के लिए तैयार होते हैं और दोनों एक दूसरे को ओवरफुल पावर से अटैक करते हैं और दोनों एक दूसरे पीछे निकल जाते हैं। लेकिन सिक्स के हाथ की स्वाड होती है उसके दो टुकड़े हो गए होते हैं और जिसकी वजह से सिक्स डरने लगता है बिकॉज विष्णु की स्वाड होती है, जिस वजह से वह टाइगर मैन भी डर जाता है तो वह एलिस से हेल्प मांगता है। एलिस कहती है हम लोग उसको ग्लू से चिपका देंगे और प्रिटेंड करेंगे हमने कुछ हुआ ही नहीं है। तो विष्णु यहाँ पर आ जाती है, आती हुई सीधी कहती है सिक्स आखिर तुम कहाँ पर हो, जैसे वो सिक्स को देखती है और वह कहती है ओ ठीक है तुम्हें डरो, वैसे आखिर ये डेमन लिखिंग गुड मतलब गायक कौन है। लेकिन वे दोनों लोग अपनी स्वार्थ को पीछे छुपा लेते हैं। बेसिक से कहती है तुम्हें पता है डीवंस के आर्मी के बारे में उसे कुछ डिस्कस करना है, वैसे उसकी स्वार्थ उसे 5 ईयर्स पहले मिली थी यानी 5 ईयर्स पहले की है, वह कहाँ गई। वो स्वार्थ उसको हैंड ओवर कर देता है जो कि टूट चुकी होती है, वह काफ़ी इमोशनली डैमेज हो जाती है और कहती है अगर उसने ऐसे कैसे किया। लेकिन जो टाइगर गाय होता है वह उसको अपनी स्वार्थ को ऑफर करती हुई कहता है इसे तुम ले सकती हो, ये काफ़ी अच्छी रहेगी तुम्हारे लिए। वह काफ़ी यदि लवली डब्ल्यू जाती है उस स्वार्थ के लिए और कहती है थैंक यू सो मच, वैसे तुम काफ़ी यदि अच्छे बीस्ट मैन हो मतलब टाइगर मैन हो। वे कहने लगते अर्लियर में थोड़ी देर पहले तुमने मुझे एक डीमन बुलाया था, सिक्स टाइगर मैन के लिए कॉम्प्लीमेंट करता और कहता लगता है तुम तो बूम्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस होते जा रहे हो लेकिन तुम एक बीस्ट मैन के होते हुए भी यानी बीस्ट मैन होने के बाद भी तुम लोली गर्ल्स को पसंद करते हो। अचानक से एक बैल बजती है तो इसने कहती है तुम्हारा टाइम आ गया, तुम ग्लोरी थोड़ी हासिल कर सकती हो। वह कहता है ठीक है, इस बीस्ट मैन से कहता है इस टाउन का ख्याल रखने के लिए और वह बैटल में जा रहा है। कुछ टाइम बाद यानी शाम टाइम दिखाया जाता है वे लोग अपनी पार्टी कर रहे होते हैं एंजॉय कर रहे होते हैं और सिक्स कहता है तुम लोग जितना चाहो उतना एंजॉय करो, आज का पेड ऑफ उसे मिला इसलिए वह पे कर देगा। यहाँ पर देखता है काफ़ी गर्ल्स होती हैं उसके बारे अचीवमेंट्स के बारे में कंप्लीमेंट दे रही होती हैं, बात कर रही होती हैं, कुछ और लड़के भी होते हैं उसको देख रहे होते हैं। लेकिन इसने जो कि अपनी स्वार जो से न्यू मिली होती है उसकी तरफ ही देख रही होती है और काफ़ी यदि उसे एक अपनी चाइल्ड की तरह रख रही होती है। वह कहता है कि वैसे आखिर इसनो तुम्हारी तो पुरानी जॉब मिल चुकी है अगर उसके साथ में क्यों है, तो वह कहती है प्रिंसेस ने उस पर नजर रखने के लिए कही है। तो वह पूछता है एलिस आखिर भाई यहाँ पर क्या कर रही है, वो तो खाना भी नहीं खाती है। तो वह कहती है बस अपनी थोड़ा एक्सपेरिमेंट या रिसर्च कर रही है ज़्यादा कुछ नहीं। यह पूछती है आखिर किस तरह का मैजिक या फिर क्या चीज़ है, वह है क्या, तो बताती है ये कुछ और नहीं बल्कि एक साइंस है, साइंस द्वारा उसको बनाया गया इसीलिए। तो पूछता है किस तरह की रिसर्च कर रही है, तो बताती है वह फूड जो तुम खा रहे हो उस पर रिसर्च कर रही है और बताती है अगर उसका ओरिजिन कहाँ से आया है। तो सिक्स इस बात को सुनकर रोज को सारा फूड दे देता है, वह बताता है कि इसका ओरिजिन कहाँ पर, जिस मॉन्स्टर्स को मार रहे थे उन मॉन्स्टर का ये मतलब फूड होने वाला है। इसने पूछती है तुम्हारा डे ऑफ है ना, तो कहना तो मेरे लिए काम करो मैं तुम्हें पे भी करूँगी। ये बात सुनकर तेष्णु एकदम तैयार हो जाती है, वह कहती वैसे काम किया है उसे बस पैसे से मतलब कोई कुछ करा लो। वह कहती है इस फूड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना आखिर ये फूड आ कहाँ से रहा है, कहाँ से सप्लाई मिल रही है। फिर तीनों लोग निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ जहाँ पर कि वह नज़र रख रही होती है दूर की तरफ। यहाँ पर वे लोग देखते हैं एक जाइंट क्रैब, एक मोको मोको इसका नाम होता है, वे एक स्नेक को पकड़ लेता है, फिर दूर से ये सब देख रहे होते हैं। वे कहते हैं शायद ये इसका क्या करने वाला है, फिर बस गौर से देखते जा रहे हैं। सिक्स कहता है क्या यही है जो कि फूड के तौर पर यूज किया जाता है। फिर आगे तरफ जाती है तो देखते हैं ये एक और स्नेक होता है, इसको उसने पकड़ कर रखा था, उसको मार कर वे एक स्टोन पर पेड़ लटका देता है जहाँ पर बहुत सारे स्केल्टन्स होते हैं, स्केल्टन हेड होते हैं। ये बस उनका सिक्स होता है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, अचानक से एक एक्स आकर उसके पास गिरती है, इसलिए भाग तो चला जाता है वहाँ से। लेकिन उस टाइम भागने में उसे पता चलता है कि जो गर्ल्स थी वह उससे पीछे छूट गई हैं। पर क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, शायद मुझे उनके मात को या फिर उनकी आत्मा को शांति देनी चाहिए। बंदा कितनी जल्दी हार मान जाता है, वह कहता है अरे वैसे इसमें मेरी गलती नहीं है। उसे कुछ चल अपनी आवाज़ें आने लगती हैं तो कहता लगता है इसमें गलती मेरी तो नहीं उन गर्ल्स की गलती है। अचानक से वह क्रैक आ जाता है, उसको भी चिल्लाने लगता है डर के, तो क्रैक भी डर जाता है। उसके साथ में थोड़ी बात करनी ट्राई करता है, जो क्रैब होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही फ्रेंडली स्वेव का होता है, वो दोनों एक दूसरे का हाथ बढ़ाने लगती हैं और दोस्त बनने वाले होते हैं। लेकिन पीछे से तभी इसनो आ जाती है और उस क्रैब के दो टुकड़े कर देती है। बेचारा रोने लगता है और कहता है सच में तुम कितनी ज़्यादा हार्टलेस वूमन हो, तो उन्हें मेरे न्यू जो फ्रेंड अभी बना था उसको मार दिया। वह कह लगती है मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई है इसे छुप रहो। फिर उस क्रैब को सांस चार के वहाँ पर खाने लगे होते हैं। लेकिन रोज कहती है गिरे पे सच में काफ़ी ज़्यादा लगा, उसने काफ़ी सारे यहाँ पे कहते तो एक अनटाइड था यहाँ पे डेड बॉडी उसके साथ में, उसने उसको रखा था काफ़ी टाइम तक। बेगैन लगती है आखिर ये क्या, और ग्रेम उसके मुंह को बंद कर देती बीट से कुछ कुछ कहने से पहले। इसने कहती है आखिर उसका मतलब क्या डेड बॉडी या फिर अनटाइड। बेगैन लगती है बेहस अपने लॉर्ड को यानी लॉर्ड को जिसको प्रे करती है मैं लाइक, वे कहने लगते हैं उसके अलावा और कुछ नहीं। वह कहती है ठीक है लेकिन इसको बंद करी, वह आखिर वह बकवास के अलावा कुछ नहीं। वह कह लगती है हाँ सच में ये सब है। एलिस कहती है उसका मतलब क्या है कहने का, सच में ऐसा कुछ। वह कहने लगती है हाँ बिल्कुल, वह अंडार्ड्स को इस तरह से सबन कर सकती है और ज़्यादा कुछ नहीं, बेकि इवन गॉड थे।
तो ये बात सुनकर एलिस कहती है क्या ये सच है सिक्स, ऐसा हो सकता है? तो वह कहता है हाँ, यहाँ पर मैजिक एग्जिस्ट करता है तो इस बात को हम एग्जिस्टेंस मान सकते हैं। ये बात सुनकर तो ग्रिम मतलब एलेक्स होती है इस बात पर भरोसा नहीं करती और कहती उसे इस चीज़ पर भरोसा नहीं है। ग्रिम जरूरी कोई छलावा दिखा रही है और कुछ नहीं, इसको साइंस द्वारा प्रूव कर सकती है भाई सब फेक है। वह तभी एक मैजिक एक जगह आ जाते हैं, यहाँ पर एक मैजिक सर्कल बना लेती है। यहाँ पर ग्रिम कहती है वह उसको आपको मैजिक दिखाने वाली है। जो एलेक्स कहती है ठीक है मैं साइंस से तुमको एक्सपोज कर दूँ, किस तरह से तुम्हें एक बस नाटक कर रही और कुछ नहीं। वह तब ग्रिम एक केज के ऊपर से एक क्लॉथ हटाती है जो कि वह एक पेट के तौर पर लाई होती है। उसे मारने से पहले डर रही होती है। वह कहता है मतलब एलेक्स कहती है तो ये सब कर सकती है, लेकिन वह कहती है भाई इस मीट को भी डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहती इसीलिए। और जो सिक्स होता है वह भी इस बात के लिए कहता है हाँ ठीक है जैसा भाई कह रही है उसे ही करना चाहिए। वे मीट को ऑफर कर देते हैं उस मैजिक सर्कल के बीच में, जिससे कि अपनी जो रिचुअल होती है स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से मैजिक सर्कल अपीयर होता है और जहाँ पर एक ईविल डेमन आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सेक्सी उसको लग रही होती है एनी सिक्स के लिए, और वह उसको काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहा होता है इस सीन के लिए। तो ग्रिम पूछती है आखिर तुम्हें पता है वह कहना आखिर उसके साथ कैसी है, तुमको डील करना है या फिर क्या इच्छाएं मांगनी है? वह क्या लगता है ऑफकोर्स बेबी एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए ईविल को तो वही जान सकता और क्या भी मांग ली है हरम टाइप, हाँ मैं एंजॉय कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन तभी एलिस जाकर उस मैजिक सर्कल को चेक करने लगती है और कहती है जरूरी एक 3D प्रोजेक्टर है। लेकिन इस बात पर जो ईविल होती है गॉड या फिर ईविल डीमन वह काफ़ी गुस्से में आती है और कहती है तुम मेरी मैजिक पर शक कर रही हो और तुमको तुम्हारे हार्ट को ही मैं बंद कर दूंगी अगर अटैक करती है। लेकिन एलिस कहती है उसके अंदर तो हार्ट ही नहीं, एक रोबोट के अंदर कोई भी हार्ट नहीं होता इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकती। वह कहती है तो मतलब तुम विश मांगना चाहती हो? वह कहती है हाँ बिल्कुल, वैसी कुछ विशेज मांगती जिस वजह से एकदम घबरा जाती है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती है और अपने डीमन पावर में आ जाती। लेकिन मतलब एलिस होती है फिर भी उससे कुछ ऐसी रिक्वेस्ट मांगती जिसको पूरा नहीं कर पाती और वह उसको तोहफे वापस जाने के लिए कहती, और ये बात सुनकर ईविल गॉड या डीमन होती है वापस चली भी जाती है उसकी तुरंत ही बात मानकर। सब लोग काफ़ी मतलब शॉक्ड होती है आखिर ये कैसे हो गया। जब वह वापस आ रही होती हैं तो ग्रिम कहती है तुम अब भरोसा कर रही हो ना? वह कहती नहीं बिल्कुल नहीं, तुम एक 3D टाइप या फिर कहते हैं थर्ड क्वालिटी की एक्टर हो जो तो बेकार है। लेकिन ट्रिम के पास में सब पता चलती है मतलब जो भी रिक्वेस्ट आए थे उनका अकॉर्डिंग के पानी अभी उनके यहाँ जो स्टोर है वह काफ़ी कम पड़ने वाला है। एलिस कुछ रिसर्च कर रही होती है और जहाँ पर सिक्स और भाई बीस्ट मैन या फिर टाइगर मैन भी होता है वे लोग मतलब टाइगर मैन उन लोगों से कह रहा होता है कि उसकी जो रिक्वेस्ट होती है बिस होती है वह थोड़ी इस तरह की होती है। भाई कहने लगती है इस तरह से म्याऊं म्याऊं वाली बिसेस अपनी बंद करो और मैं जो कर रही हूँ उसको करने दो, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है इस थोड़ी रिसर्च में। इधर दिखाया जाता है प्रिंसेस का टिमिट जो कि उस बारिश कराने वाली एक मैकेनिज्म होती है उसके पास आकर वही पासवर्ड बोल रही होती है जो कि पास एम्बेसिंग पासवर्ड होता है। चिल्लाने के बाद भी बारिश नहीं होती है तो वहाँ पीछे से सिक्स आ जाता है। वह कहता है कि तुमने यहाँ क्यों बुलाया? वह कहने लगती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ऐसा पासवर्ड रखा है और कुछ नहीं। वह कहने लगता है वो ऐसा क्या, उसे मैंने क्या कर दिया? तो प्रिंस कह रही है ये सब तुम्हारी वजह से तो हो रहा है ना, तुमने ऐसे इतना एम्बेसिंग पासवर्ड रखा है इसकी वजह से ये सब हो रहा है, और जब से तुमने इस मशीन को दोबारा रिपेयर किया है तब से मेरे जो डैड है या फिर किंग है वह भी डिसअपीयर हो गए हैं, बिकॉज इस तरह का एम्बेसिंग पासवर्ड वह नहीं बोल सकते किसी के सामने इसीलिए। वह कहती लेकिन वैसे उसको एक थोड़ी हेल्प चाहिए, उसकी एक रिक्वेस्ट है। उसके बाद से सिक्स कहता है वैसे यदि तुम प्रपोजल के बारे में सोच रही हो तो प्रपोज करने के बारे में छोड़ दो, बिकॉज मुझे इस तरह की गर्ल्स वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। वह कहने लगती है ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वह तो पास की कंट्री वहाँ पर जाना चाहती है, कुछ स्नो शोज लेकर आना चाहती है जिसकी वजह से वह पानी की कमी पूरी कर पाएगी और जो डीमंस वगैरह उनकी भी बीच में काफ़ी बड़ा मतलब एक दिक्कत खड़ी कर सकती है, जिससे जब अटैक करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं, इसलिए रिक्वेस्ट करती है उसकी हेल्प करने के लिए। और बताती है वह सिटी के जो मतलब क्राउन प्रिंस है उससे हमें बात करनी है, लेकिन अपोजिट सेक्स के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है इसलिए उसके मौके के फायदा उठाकर तुम जा सकती हो, और वैसे तुम्हारे लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, हम तुम्हें काफ़ी अच्छे से पे भी करने वाले हैं। और वैसे एक जरूरी बताता है तो वहाँ पर एक ऐसी रुइन भी है जिसको तुम आसानी से मतलब एक्सप्लोर कर सकती हो, किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। इस बात को सुनकर वह भी जा सकता है, चला जाता है एक गाड़ी में जा रहा होता है जहाँ पर ग्रिम काफ़ी खुश होती है और खड़ी होती है, लेकिन वह कहता है तुम पीछे गिर जाओगी। लेकिन रोज काफ़ी यदि एक्साइटेड होती है उस गाड़ी को देखकर। ग्रिम कहती है हमारे पीछे काफ़ी मॉन्स्टर जो हमें नहीं पड़ पाएंगे। स्नो कहती है तुम इस बगेल को व्हीकल को बेचना चाहोगे तो बहुत सारे लोग उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, पूरे किंगडम खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। एलिस कहती है हम स्पीड बढ़ाने वाले हैं, लेकिन जिसकी वजह से ग्रिम नीचे गिर जाती है और उसे उठाने के लोग जाने लगते हैं। फिर सिटी में पहुंच जाते हैं, लेकिन हर बार की तरह किसी बैटल से पहले जो ग्रिम होती है इंजर्ड हो जाती है और उसको इंजर्ड कर लेती है। यहाँ पर लोग होते हैं उनसे बात करते हैं आकर सिक्स से, और उन्हें पता चलता है ग्रिस की ये मैसेंजर्स हैं इसीलिए उसको अंदर इनवाइट करते हैं। लेकिन सिक्स होती है वो अपनी थोड़ी स्किल यूज करती है और बंदे के पास जाने लगती है और उसको फ्रेंडली तौर पर ट्रीट करती है, इससे कुछ बार स्टोन उसको ऐसी फ्री में मिल जाए। और सभी लोग होते हैं अंदर जाने के तैयार होते हैं। एलिस कहते हैं हमें प्लान का कोई काम करना होगा। इधर ग्रिम ने बुलाया होता है सिक्स के लिए और अपनी ड्रेस नहीं दिखा रही होती और पूछती है कि कैसी अच्छी सेक्सी है ना, लेकिन वो उसको कहता है ये सच में काफ़ी ओल्ड फैसिनेटेड है। उसके ऊपर वो कर्स से अटैक करती है, लेकिन वो कर्स होता है बाहर तरफ चला जाता है और साइड में निकल जाता है। और भी गर्ल्स वहाँ पर आ जाती हैं जो कि काफ़ी अच्छी ड्रेसेस पहन के आई होती हैं, या विष्णु सच में ब्यूटीफुल लग रही होती है। और अब सभी लोग होती हैं बैंक उसमें जाने के लिए तैयार होती हैं, जहाँ पर सिक्स देखकर सब कुछ एकदम चौंक जाता है और एलिस भी यहाँ पर गई होती है।
जहाँ पर कि ग्रिम होती है एक बंदे से बात करने की ट्राई कर रही होती है जो कि एक प्रिंस होता है, और उसके साथ में कभी चैट कर रही है तो वह कहता है कि तुम्हारे सेंटेंस वगैरह तुम कुछ नहीं कह रहा है पहने में, क्या आखिर क्यों? तो बताती है इसका एक रीजन है। एलिस कहती है सच में ये सब ऐसे ही होने वाला है क्या? इश्नो होती है जो कि एक बंदे से बात करने की ट्राई कर रही होती है लेकिन उसकी स्किल सच में बेकार जा रही होती है। एलिस कहती है हमें नहीं लगता ऐसा कुछ काम करने वाला लोगों की चीज़ है, और इस बात से सिक्स को भी काफ़ी एम्बेरसिंग फील हो रहा होता है, रोज तो अपने खाने में लगी होती है। इधर दिखाते क्राउन प्रिंस होता है वह भी यहाँ पर आ चुका होता है जिसके पास में स्नो जाती है जैसे कि प्लानिंग, वो उसको थोड़ी सी बात करने की ट्राई करती है और कहती सच में उसे पसंद करती है, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। लेकिन सिक्स को सच में सबसे ज़्यादा एम्बेरसिंग हो रही होती है उसकी ऐसी स्किल और एक्टिंग देखकर, लेकिन वो उसको मना कर देता है और कहता है एक मैसेंजर इसीलिए उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा सकता। वह कहते लेकिन सच में इस तरह की इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के बीच में वह थोड़ा डर रहा है। लेकिन इधर दिखाया था ग्रिम जो कि उस प्रिंस से कहती है कि सच में तुम्हारी फियोंसी प्रिय तुम उसे अट्रैक्ट करने की ट्राई कर रहे हो, तुम सच में बहुत बुरे हो, और उस पर कर्ज मतलब करती है पानी का, लेकिन उसके ऊपर ही पानी गिर जाता है का। इधर रोज होती है जो कि अपने खाने में एंजॉय करती है, उसे वार्ड में ज़्यादा दुनियादारी और कुछ नहीं। एलिस कहती है शायद उस खाने में तो कोई ड्रग ही मिला दिया इन्होंने। इधर एलिस सिक्स होता है काफ़ी एम्बेरिस्ड होता है इन सब के ऐसे बिहेवियर को देख कर, और इसीलिए वो एलिस के साथ में निकल पड़ता है। एलिस होती है सिक्स को लेकर बाहर तरफ चली जाती है और वह कहती है मैं जब कोनी की एक्टिंग कर रही थी तो मुझे कुछ चीज़ें मिली थी जिसको बारे में हमें बात करनी चाहिए, चलो तुमको वहाँ पर लेकर चलती हूँ, जो कि शायद एक टीजर टाइप टीजर जैसी चीज़ है। वह कहने लगता है ठीक है। इस तरह से वो चले जाती है और एक चैम्बर में आ जाती है यहाँ पर कि ये कोनी एक काफ़ी अलग साइंटिफिकल चीज़ दिखती है। वह कहने लगती है क्लोनिंग मशीन है जिससे कि क्लोन वगैरह बनाए जाते हैं। अचानक से वहाँ पर एक बच्चा आता है और कहता है आखिर वह कौन है और यहाँ पर ये लोग करके आ रहे हैं। जब पता चलता है कि उस सामने जो खड़ा है बंदा सिक्स है तो वह कहता है आखिर वह उसने गर्डन को हटा दिया और उसकी बेइज्जती करने लगता है। वह कहने लगता है अच्छे बच्चे तुम हो कौन, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, इस तरह से बेइज्जती मार रहे हो। तो वह कहने लगता है वह डेमन लॉर्ड के 4 मतलब मोस्ट पावरफुल जनरल्स में से एक है, आखिर तुमने गर्डन को कैसे हटा दिया। वो उसके पास जाते ये बात सुनकर उसके सर को पकड़ लेता है और जो कि बार्डर का सबसे ज़्यादा मजीशियन होता है, लेकिन वहाँ पर हारी आ जाती है तो उसको फेंक देता है, लेकिन हारी के ऊपर आकर जंप कर देता है। हाँ सच में वह किसी भी मौके को नहीं छोड़ने वाला है, इसीलिए उसके ऊपर बैठ जाता है और उसको हैंडकफ कर देता है, फिर कुछ भी बात को नहीं सुनता है। वह कहने लगती है मेरी बात तो सुनो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बच्चा होता अपनी बार्डर मैजिक को यूज़ करने लगता है, उससे पहले ही वह यूज़ करने लगता है हारी को अपनी शील्ड के तौर पर, जिससे कि वह अपनी मैजिक को वापस लेना पड़ता है और एक डेविल की तरह स्माइल करता है। एलिस कहती है सच में काफ़ी अच्छा है, तुम काफ़ी अच्छी एविल बन रहे हो। इधर आ जाता है दोबारा से प्रिंस के पास में और क्राउन प्रिंस से कहता है कि तुम इस तरह से कैसे कर सकती हो, मतलब तुम डीमंस का साथ कैसे दे सकती हो, तो ये पता है हमारी कंट्री कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। स्नो भी कहती है हाँ हमारे कितने सारे सोल्जर्स हुए, हमारी कितनी मतलब मेरी स्वाड भी एक डेस्ट्रॉय हो गई है, कितनी डेस्ट्रॉय हुई है। वह कहने लगता है लेकिन हमारे भी हम ऐसा नहीं करने वाले, बिकॉज एक स्नो डीमन है जिसका खतरा हमारे ऊपर भी तो है एक। वह कहने लगती है लेकिन फिर भी ये सब क्या है, तो इतने डिस्ट्रक्शन के बाद तुम डीमंस का साथ दे रहे हो। लेकिन वहाँ पर आ जाती है तभी हारनी और वह कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पर वैसे कॉरपोरेशन के तौर पर आए हैं। वह कहने लगे तुम्हारा मतलब क्या है कॉलेब्रेशन या फिर कॉरपोरेशन के तौर पर, तुम डीमंस जो कि हमारे ऊपर अटैक कर चुके, हमारी कितनी चीज़ें उसमें खो चुकी है, हमारे कितने ह्यूमन खत्म हुए हैं। वह कहने लगती है हमारा भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस वॉर के दौरान, इसलिए तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। सिक्स कहता है अगर तुम यहाँ पर करके आ रही हो, तो जो हीरो मतलब प्रिंस होता है बताने लगता है कि डीमंस उन्होंने उसको थ्रेट किया फिर कुछ भी कहो, उसके साथ कॉरपोरेशन करने के लिए तैयार है जिसके मिलकर साथ में सैंड मॉन्स्टर को हरा पाएंगे, सैंड डीमन को हरा देंगे। ये बस उसको इसमें सोचती है मतलब ग्रेस जो सिटी है उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा जरूरत है प्रिंस की, इसलिए उसको सीड्यूस करने की ट्राई करती है। सेम ही हारनी भी कर रही होती है, सीड्यूस करने की ट्राई कर रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ उसको लाना चाह रहे होते हैं। प्रिंस को वह सोच रहा होता है कि ये क्या, ये तो एक हारम प्रोटैगनिस्ट की तरह उसकी लाइफ हो गई है, ये तो उसके साथ होना चाहिए। एलिस कहती है अपने बारे में थोड़ा सोच के चलो, ये ऐसी डिमांड ठीक नहीं रहती हैं करेक्टर हिसाब से चलो। प्रिंस होता है दोनों को मना करते हुए कहता नहीं उनमें ऐसे उसको किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है, इसे छोड़ दे। एक डंप प्रिंस की तरह ही बस एक्ट कर रहा होता है, कुछ और नहीं। दोनों गर्ल्स होती हैं उसको सीड्यूस करने की ट्राई कर रही होती हैं, सीड्यूस करने की ट्राई कर रही होती हैं, अपने साथ में अपने किंगडम के लिए लाना चाहती हैं। सिक्स सब देखता और सच में वह काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहा होता है, वह सोच रहा होता है यहाँ तक कि किसी भी मिशन पोस्ट किसी प्रोटैगनिस्ट ने भी इस तरह से किक मारी या पीटा हो तब भी उसको इतना ज़्यादा एम्बैरेस कितना ज़्यादा टूटा हुआ अंदर से फील नहीं हुआ था। तो एलिस कहती है उसे क्या हुआ, तो वह कहता है मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो कि काफ़ी एम्बैरेसिंग होने वाला है। एलिस कहती है चिंता ना करे एज ए पार्टनर, वह उसका हर चीज़ में साथ देने वाली है। वह कहता है थैंक्स एलिस। इधर पहुंच जाता है उसी प्रिंस के पास और कहता है कि उसके पास एक आइडिया जिससे कि हम टीम है उसको दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। वह कहता है इट्स एलोड, तुम कुछ भी कर सकते हो। वह तो उसके पीछे एक चेयर रखता है और अपनी जिप को खोल देता है, जिसे देखकर तो गर्ल्स होती है एकदम शॉक्ड जाती हैं और कहती हैं सच में कितने परवर्टेड ठीक है। इधर दिखाया जाता है इसको काफ़ी गुस्से में होती है और टिमिड प्रिंसेस उसके पास एक लेटर होता है जिन लोग मिशन पूरा करके आ गए होते हैं। इस लेटर में जो भी लिखा होता है उसको रीड करने के बाद वह कहती हैं आखिर पास्ट में मतलब तुम लोगों ने वहाँ पर किया क्या था ऐसा जो कि अभी ये सब चल रहा है। वैसे पास्ट किंगडम वे अभी तो अटैक करने वाला नहीं है, लेकिन फिर मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुमने किया क्या था। सिक्स कहता है ये सब पास्ट की बातें हैं, हमें तो फ्यूचर के बारे में जानना चाहिए ना। लेकिन स्नो कहती है ये सब उसकी वजह से हुआ, इस पर्वत की वजह से। टिमिड कहती है स्नो तुम्हारी पोजीशन को फिर से डिमोट किया जा रहा है।
पे बेचारी रोने लगती है। आखिर इसमें अब उसकी क्या गलती है जिससे उसको फिर से पोजीशन से नीचे डिमोट कर दिया जा रहा है। तो टीममेट कहती है, वैसे अभी बोर तो काफ़ी टाइम के लिए टल गई, इसलिए हमें बाटर की समस्या को अभी देखना होगा, क्योंकि बाटर स्टोन वगैरह देख सकते हैं। लेकिन वह कहते हैं हमारे पास एक आर्टिफैक्ट भी तो है जो कि बाटर की कमी पूरी कर सकता है, मतलब रेन वगैरह कर सकता है, उसको यूज करना चाहिए। लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर मारती कहती है हमारे पास एक बाटर नट है जिसको ग्रो करके हम बाटर का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भरपाई कर सकते हैं अभी के लिए। उसकी बात सुनकर कहती है हाँ बाटर नट्स, इसके बारे में मैंने भी सुना है, जो कि काफ़ी क्वांटिटी में बाटर को अपने अंदर स्टोर रखता है ना। वह कहती है हाँ बिल्कुल, इसीलिए अब तुमको इस मिशन पर जाना होगा उस बाटर नट को ढूंढने के लिए। लेकिन रोज इस बात के लिए कंप्लेंट कर रही होती है और कहती है सैंड्स मॉन्स्टर के एरिया में जाना सुसाइड मिशन से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। स्नो कहती है लेकिन अभी हमें जाना कोई दिक्कत नहीं, सैंड्स जो मॉन्स्टर है या डीमन है अभी इनएक्टिव है। और ये बात सुनकर सिक्स भी कहता है हाँ बिल्कुल, हमारे लिए काफ़ी अच्छा मौका है इस मिशन पूरा करने के लिए। लेकिन तभी ग्रिम कहती है तुम्हें पता है ना जो कर्ज तुमने डॉज किया था। वह कहने लगता हाँ बिल्कुल, आखिर क्या हुआ। तो वह कहती है वह कर्ज किसी न किसी को जब तक हिट नहीं होता है तब तक कि वह खत्म नहीं होता है, और मैं चलो तुम्हें सीक्रेटली बता देती हूँ आखिर वह किसको हिट हुआ है। वह कहता है लेकिन तो फिर अब तुम क्या करने वाली हो। वह कहती है ऑफकोर्स मैं इसका बदला लेने वाला हूँ, ये तो ठीक है ना, ग्रेस किंगडम के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन वो उसे रुकने के लिए कहते हैं लेकिन वह तो पूरी तरह से पागल हो चुकी होती है। इधर वे लोग अपनी व्हीकल लेकर आगे तरफ बढ़ने लगी होती हैं और रात में पहुँच चुके होते हैं ये जगह जहाँ पर कि काफ़ी सारे नट्स होते हैं, बाटर नट्स इकट्ठे कर लेते हैं। यहाँ पर कि इसने कहती है सब हमारे लिए काफ़ी रहेंगे। वह एक नट को लेता है और कहता है आखिर इतनी ज़्यादा बाटर को इतनी छोटे नट में कैसे रखा जा सकता है। तो ग्रिम एक्सप्लेन करती है मैजिक किस तरह से काम करता है। एलिस को फिर भी समझ नहीं आ रहा होता है साइंस की वजह से, लेकिन ग्रिम उसको फिर से उसको एक्सप्लेन कर दिया और कहती है तुम अपनी साइंस वगैरह उसको दूर रखो। वे साइंस द्वारा उसे समझ नहीं पाते आखिर कैसे हो रहा है। तो रोज होती है वे कहते हैं चलो हमें अभी ऐसे चलना चाहिए। अचानक से ग्राउंड होता है, सारा सेकंड होने लगता है। ग्रिम कहती है लो तबाही आ गई। लेकिन तभी वह पूछता है एलिस चक्र क्या होता है। एलिस चेक करते कहती है अभी कि अभी हमें व्हीकल में बैठना होगा। व्हीकल बैठकर वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। ग्राउंड होता है ऊपर तरफ उठने लगा होता है। थोड़े दूर जाने के बाद पता चलता है जिस जगह को वह या जहाँ से नट्स इकट्ठा कर रहे थे वह कुछ और नहीं बल्कि सैंड डीमन था जिसके ऊपर ही शायद ये नट्स गिरो होते हैं। और वह डीमन होता है उस तरफ देखता है कि बाइक मतलब व्हीकल जा रही है, इसीलिए एकदम अंदर जाकर उनका पीछा करना स्टार्ट कर देता। मैं कहता लगता है वह तो हमें नहीं छोड़ने वाला है, मुझे बस इस प्लेनेट से वापस घर जाना है, कुछ और नहीं। एलिस कहती है लेकिन उसमें तो टाइम लगने वाला है। मैं कहता ठीक है अभी यहाँ चल चल बचाओ यहाँ से निकालो। भाई कहती जैसे सिग्नल दो तुरंत ही जंप कर देना, तैयार रहना। व्हीकल को थोड़ा राउंड सेफ मुड़ाती है और वहाँ से जंप करने के लिए कहती सब लोग बच चुकी होती हैं और सैंड मॉन्स्टर बस उस खाली व्हीकल का पीछा करता है और वह व्हीकल डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसने कहती है लो हमारे सारे जो मतलब नट्स थे वह भी गायब हो चुके हैं। भाई कहती क्यूरियोसिटी के तौर पर उसने एक रखा था और मेरे पास एक ही है। भाई कहती एनफ नहीं होने वाला है। वे लोग डिजर्ट में आगे तरफ जाने लगती है और ग्रेस किंगडम की तरफ चुकी आप पैदल ही जा रहे होते हैं। इसने होती है इस चीज़ के लिए काफ़ी अधिक कंप्लेंट कर रही होती है, लेकिन वो उसको चुप रहने के लिए कहता है। और इसी के साथ में ये पार्ट वहीं पर हम एंड करते हैं। इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं, उसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वैसे ये मूवी रिकैप पसंद हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हमारे सेकंड चैनल का जहाँ मूवी रिकैप स्टार्ट कर दें, वहाँ पर जाकर मूवी भी देख सकते हैं जहाँ पर हॉलीवुड एनिमी बॉलीवुड सब कुछ देखने मूवी मिलने वाले हैं। तो उस पर सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक गुड बाय सायोनारा।